हाय एवरीवन मैं हूँ सहर और आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बी टी फाइव जीरो थ्री एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी फाइनल टर्म में इसके वन ट्वेंटी वन टू टू थर्टी फाइव तक टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और आज वीडियो के पार्ट वन में हम वन ट्वेंटी वन टू वन फोर्टी सिक्स तक टॉपिक्स उनको देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें उसके बाद स्पीलेज uh, या लीकेज का भी ख़तरा होता है और उसके अलावा फिर पोटेंशियल सेकेंडरी पोल्यूशन भी होती है क्योंकि इसमें हम खुद से कंटेमिनेशन या पैथोजेंस ऐड कर रहे होते हैं तो एक पोल्यूशन ख़त्म करते हुए सेकेंडरी पोल्यूशन भी पैदा हो सकती है ये भी इसमें रिस्क होता है इसके लिए फिर हमें एक लहदा से एरिया चाहिए होता है लैंड का एरिया लहदा से चाहिए होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन सीटों से उसके बाद फिर यहाँ पे आ, नीचे फ्लोशीट में इन दोनों का ही कंपैरिजन दिखाया गया इन सीटों का और द सुटेबिलिटी ऑफ बायो रेमेडिएशन मतलब बायो रेमेडिएशन कौन सी वाली बायो रेमेडिएशन सुटेबल है बायो रेमेडिएशन की पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन एक शॉर्ट सी दी गई है कि बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर क्लीनिंग ऑफ़ द रेजिडुअल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉयल कंटेमिनेट हो जाती है उसको मतलब क्लीन अप करना ये बायो रेमेडिएशन होता है तो ये डिपेंड करती है जो नेटिव इंडिग्नियस बैक्टीरिया फंजाई या प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जो उन पर डिपेंड करती है क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं बायो रेमेडियशन में उसके बाद फिर कुछ स्टेप्स हैं बायो रेमेडियशन के ये वाले स्टेप्स जो होते हैं मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टेक्निक में जिसमें बायोस ऑप्शन आता है डी मिथाइलेशन मीथाइलेशन मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेशन कीलेशन लैगन डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये सारे स्टेप्स uh, जो हैं ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद फिर जो मेन चीज़ इसमें बताई गई है ये माइक्रोब्स बताए गए हैं कि ये जो होते हैं कैपेबल होते हैं किसी भी सॉइल की बायोरेमेडिएशन के लिए जो वहाँ पे मौजूद होते हैं या फिर हम उनकी इस कैपेबिलिटी को थोड़ा इन्हांस करते हैं इन टेक्निक्स के साथ ताकि वो कंटेमिनेशन को दूर कर सकें अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये किन किस तरह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके मतलब थ्री रूट्स बताए गए हैं टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी वन है एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्राइटेरिया फॉर एनालिसिस इसमें क्या चीज़ देखी जाएगी इसमें यह देखेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को के प्रोसेस को ट्रीट करने के लिए जो भी प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं उसके लिए हम क्या क्या, क्र, क्या क्राइटेरिया रखते हैं जैसे कि द डिसीजन रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू बी अडोप्टिड शुड बी डिराइव फ्रॉम अ बैलेंस बिटवीन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल क्राइटेरिया टेकिंग इन टू अकाउंट क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव अब इसमें जो चीज़ हमने सामने रखनी होती है प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए वो दो चीज़ें हैं एक है टेक्निकल क्राइटेरिया और दूसरा है इकोनॉमिकल क्राइटेरिया टेक्निकल मतलब इन दोनों चीज़ों को हम सामने रखते हैं कि वो टेक्निकली भी हमारे लिए सूटेबल हो फिज़िबल हो और इकोनॉमिकली भी वो हमारे लिए सूटेबल हो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो दूसरी चीज़ के क्राइटेरिया और वेटिजिज़ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स कनेक्टेड असेंशली विद द रियलिटी इन फोकस हमने किन चीज़ों पे फोकस करना है जो मेन चीज़ इस टॉपिक में है जस्ट उसमें यही चीज़ बताई गई है जो कि हमें नीचे एक ग्राफ में शो की गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में किन चीज़ों को सामने रखा जाता है अब इस ग्राफ में आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो है एफिशेंसी और इस वजह से मतलब कि उनके जो आ, ये प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादा वर्किंग होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं फिर इस वजह से उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और जिस चीज़ को सबसे कम आ, वेटेज दी जाती है वो सिम्प्लीसिटी होती है मतलब कि उनके जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए होती है अब आप उसमें देख लें बाकी और चीज़ें भी हैं स्लच डिस्पोजिबल को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग उसके बाद लैंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम होती जाती है फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की भी थोड़ी इम्पोर्टेंस वहाँ पर कम है और कंस्ट्रक्शन कोस्ट देख लें ऑपरेशनल कोस्ट देख लें उनको ये बहुत कम वेटिज देते हैं इसके ऑपोजिट आप देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वेटेज दी जाती है जो चीज़ फोकस में रखी जाती है वो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कोस्ट ही होती है कि हमें सबसे मतलब कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है वो है कंस्ट्रक्शन कोस्ट जब उसको कम किया जाता है कोस्ट यानी ख़र्चा उस पर कम करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसकी एफिशंसी थोड़ी सी तो मुतासर होगी तो इस लिहाज से आप देखें डिवेल्पिंग कंट्रीज़ की में जो प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ की नस्बत तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एम सी क्यूज़ के लिए या इसी तरह से इसको देखा जा सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है एफिशिएंसी पे किया जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया जाता है कंस्ट्रक्शन कोस्ट पर फ़ोकस किया जाता है जिस वजह से ज़ाहिर है एफिशेंसी फिर उसकी थोड़ी बहुत कम होगी उसके बाद आ, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन एवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस ये जस्ट नेम्स ही हैं जो आप याद कर सकते हैं कि किन चीज़ों को सामने रखा जाता है आ, प्रोसेस एप्लीकेबिलिटी रखी जाती है कि प्रोसेस कितना एप्लीकेबल है एप्लीकेबल फ्लो होता है एप्लीकेबल फ्लो होता है मतलब जो वेस्ट वाटर है वो उसको जब फैक्ट्री से किसी चीज निकाला जाता है किसी फैक्ट्री से या म्यूसिपल वेस्ट है तो उसका फ्लो कितना है उसको भी सामने रखा जाता है उसके अलावा फिर इन्फ्लूट करैक्ट्रिस्टिक्स होते हैं वेस्ट वाटर के क्या क्या करैक्ट्रिस्टिक्स हैं उनको सामने रखते हैं इनहिबिटिंग और रिफ्रैक्टी रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो काफ़ी मतलब जिनको रिमूव uh, करना काफ़ी मुश्किल होता है स्ट्रिक्ट होते हैं ये क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा जाता है परफॉर्मेंस को सामने रखा जाता है ट्रीटमेंट रेजिडुअल्स जो बचती है हैं उनमें चीज़ें वो उसके अलावा स्लज प्रोसेसिंग केमिकल रिक्वायरमेंट्स इन सब चीज़ों को सामने रखा जाता है उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में क्या आ जाता है इनर्जी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम्पैटिबिलिटी एरिया अवेलेबिलिटी इन सब चीज़ों को सामने रखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड किन चीज़ों को सामने रखा जाता है वो है ऑर्डर्स कि वो जो आ, आ, मतलब के जो आ, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी आबादी होती है उसका ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर बैड स्मेल ना जाए वैक्टोल अट्रैक्शन नॉइस क्लच ट्रांसपोर्टेशन सैनिटरी रिस्क इन सब चीज़ों को भी सामने रखते हैं एयर कंटेमिनेशन को सामने रखते हैं सॉइल कंटेमिनेशन को सामने रखते हैं इनकनवीनियंस टू द नियर बाई पॉपुलेशन इन सब चीज़ों को सामने रखा जाता है टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी थ्री देखते हैं स्लज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल द मेन सॉलिड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर अब कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान तो सबसे पहले तो आ जाते हैं स्क्रीन मटीरियल्स स्क्रीन मटीरियल्स होते हैं जो हैवी मैट हैवी मटेरियल्स होते हैं जैसा कि पेबल्स हो गए स्टोन्स हो गए वुड पीसीज हो गए उसके अलावा uh, फिर पॉलीथीन uh, ये जो बैग्स होते हैं वो आ जाते हैं इसमें स्क्रीनड मटेरियल में इसको पहले बहुत इजीली सेपरेट किया जा सकता है वेस्ट वाटर से उसके बाद आता है ग्रिट आता है जिसमें सैंड हैवी सॉलिड मटेरियल्स आ जाते हैं जो बैठ जाते हैं उसके बाद फिर स्कम आता है ये भी यूजलेस मटेरियल्स ही होते हैं उसके अंदर उसको सेपरेट करते हैं फिर उसके बाद प्राइमरी स्लज आता है वो किस तरह से बनता है कि उसी वेस्ट वाटर को जिसमें से हम ये ग्रिड्स कम और स्क्रीनड मटेरियल सेपरेट कर चुके होते हैं फिर उसकी प्रेसिपिटेशन की जाती है या उसकी सेडिमेंटेशन की जाती है तो उसके बाद हमारे पास जो स्लज आता है उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं उसके बाद फिर सेकंड सेकेंडरी स्लज ये किस तरह से बनता है प्राइमरी स्लज के बाद फिर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बनने वाला जो स्लज होता है वो सेकेंडरी स्लज होता है नेक्स्ट आ जाता है केमिकल स्लज ये आ, कभी कभार इसको यूज करते हैं इसमें फिजिकल केमिकल स्टेज एक इंक्लूड करते हैं तो फिर केमिकल स्लज आते हैं इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं स्लज को और वेस्ट वाटर को मतलब ट्रीट करने के लिए इवन दो द स्लज इन मोस्ट ऑफ इट्स हैंडलिंग स्टेज इस कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन 95 फाइव परसेंट वाटर Uh, मतलब जितनी पूरी हैंडलिंग स्टेज के दौरान इसमें 95 परसेंट जो है उससे ज़्यादा जो है इसमें पानी होता है और बस इसको थोड़ा आसानी के लिए इसको हम सॉलिड फेस बोल देते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें फ्राम द वेस्ट वाटर वरना ये जो है मतलब ये खुद भी मतलब लिक्विड ही होता है मतलब इसमें नाइन्टी से ज़्यादा जो है वो वाटर ही होता है अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट uh, दिया गया है वो एस्पेक्ट्स नीडेड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन प्लानिंग स्लज मैनेजमेंट अब स्लज मैनेजमेंट को आ, मतलब उसकी जो प्लानिंग हम कर रहे होते हैं कि उसको हमने मैनेज किस तरह करना है तो किन चीज़ों को सबसे पहले आ, मतलब नज़र में रखते हैं तो सबसे फर्स्ट पे जो चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्शन ऑफ स्लज इन द लिक्विड फेज़ यानी वो जब लिक्विड फेज में होता है तो वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो म्यूनसपल सीवेज है घरों से आने वाला या फिर वो कोई आ, फैक्ट्री से आने वाला मतलब आ, स, आ, वेस्ट वाटर है तो इस चीज़ को देख के तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है उसकी लिक्विड फ़ेज़ में प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है उसके बाद फिर वेस्टेज ऑफ द स्लज फ्रॉम द लिक्विड फेज फेज अब उसको हमने लिक्विड फेज से आ, मतलब आ, जो स्लज प्रोसेसिंग लाइन होती है वहाँ तक लेके जाना होता है तो इस चीज़ को भी फिर सामने रखा जाता है उसके बाद फिर आ जाता है वेस्टेज ऑफ द स्लज फ्रॉम द सॉलिड फेज अब जब वो सॉलिड फेज में आ चुका होता है उसमें हम आ, वाटर को निकाल चुके होते हैं आ, उसको वाटर साइकिल में ऐड कर चुके होते हैं तो फिर वो जो रिमूवल फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू द स्लज डिस्पोजल और री री यूज साइड फिर हमने उस स्लज को कहाँ लेके जाना होता है हमने उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से स्लज डिस्पोजल तक लेके जाना होता है जहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करना है या फिर कुछ स्लज ऐसे होते हैं जिनको री यूज़ किया जा सकता है तो फिर उसको री यूज साइड तक लेके जाना ये भी स्लेज मैनेजमेंट प्लानिंग का ही एक पार्ट है कि हमने उसको भी सामने रखना होता है कि उसको कैसे वहाँ तक लेके जाना है उसके बाद द स्लच प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम यूज फॉर लिक्विड फेज इन प्रिंसिपल ऑल द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस जनरेट स्लज अब इसमें यही है कि जितने भी मतलब प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे के सारे जो है वो स्लज पैदा करते हैं अब इसमें फिर आगे कुछ टाइप्स आ जाएंगी प्राइमरी स्लज किसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज किस को बोलते हैं मिक्स्ड स्लज किसको बोलते हैं ये ऊपर मैंने आपको बताया प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज किस तरह से बनते हैं अब हम मिक्स्ड स्लज को देख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट सिस्टम द प्राइमरी स्लज कैन भी सेंड फॉर ट्रीटमेंट टुगेदर विद द सेकेंडरी स्लच कभी कभार कुछ सिस्टम्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें कुछ स्लच को प्राइमरी स्लच से आगे सेकेंडरी बनाया जाता है लेकिन कुछ को जस्ट हाफ स्लच जो है वो प्राइमरी फेज में है और कुछ स्लच जो है वो सेकेंडरी फेज़ में है तो दोनों स्लच को इकट्ठे ही आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है तो इसे फिर मिक्स्ड स्लज बोलते हैं ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके बाद फिर एक केमिकल स्ल स्लज़ है इन ट्रीटमेंट सिस्टम दैट इन अ फिजिकल केमिकल स्टेज फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स अ केमिकल स्लज इस प्रोड्यूस्ड यानी केमिकल स्लच कुछ केमिकल्स ऐसे डाले जाते हैं कि वो एक्चुअली प्राइमरी सेकेंडरी स्लच की जो सेटलिंग है उसका नीचे बैठ जाना टैंक्स के अंदर उसको ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो फिर इसको हम केमिकल स्लच बोलते हैं सम ट्रीटमेंट सिस्टम्स कैन स्टोर द स्लच फॉर ऑल द ऑपरेटिंग हो ऑफ द वर्कस फोकल्टेटिव uh, पॉइंट्स uh, uh, जैसे कि मतलब फॉकल्टीटिव पॉइंट्स में भी ये होता है और उसके अलावा अदर रिक्वायर्ड ओनली एन ओकेजनल विड्रॉल मतलब कि कुछ में तो ये होता है कि हर वर्क uh, पे हमें उसको निकालना पड़ता है लेकिन कुछ में सिर्फ जो है कुछ uh, ख़ास जो रिएक्टर्स होते हैं उसके बाद ही उसको विड्रॉ किया जाता है एंड अदर नीड टू कंटिन्यूस और वेरी फ्रीकुंट रिमूवल और कुछ ऐसे होते हैं कि स्लच जैसे जैसे मतलब बन रहा है तो उसको साथ साथ ही मतलब रिमूव करते जाते हैं और कुछ में जो है वो एक ही स्टेज पर आके उसको रिमूव करते हैं उसके बाद फिर टॉपिक वन ट्वेंटी फोर है रिलेशनशिप इन स्लज स्लज रिलेशन बिटवीन सॉलिड लेवल्स एंड वाटर कंटेंट तो ये जस्ट एक इक्वेशन uh, ही बताई गई है द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ ड्राई सॉलिड्स एंड वाटर कंटेंट इन द स्लज इज गिवन बाय वाटर कंटेंट परसेंटेज जो होती है वो हंड्रेड माइनस ड्राई सॉलिड लेवल के इक्वल होती है अब यहाँ पर जस्ट एक छोटी सी बात है समझने के लिए uh, कि जैसे अ स्लज विद द लेवल ऑफ ड्राई सॉलिड्स ऑफ टू हैज़ अ वाटर कॉन्टेंट ऑफ नाइन्टी यानी कि टोटल अगर वन हंड्रेड परसेंट है हमारे पास वेस्ट तो क्या होगा देर फॉर इन एवरी हंड्रेड किलोग्राम ऑफ स्लज टोटल हंड्रेड किलोग्राम अगर हमारे पास स्लज का होगा तो उसमें 98 किलोग्राम तो होगा वाटर बाकी जो 2 किलोग्राम्स होंगे वो सॉलिड होंगे इस तरह से हम परसेंटेज की निकाल लेते हैं और मेन चीज़ इसमें यही है रिलेशन बिटवीन द वाटर कॉन्टेंट एंड द मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ स्लच वहाँ अब ये कौन कौन से रिलेशंस हैं कि अगर तो देखें फ्लूड स्लच होगा ज़्यादा मतलब वो फ्लूड uh, फॉर्म में है तो फिर इसका मतलब है कि उसमें ड्राई सोल्यूड्स बहुत ही कम है ज़ीरो से जस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट तक उसमें ड्राई सोल्यड्स हैं वाटर कॉन्टेंट फिर उसमें ज़्यादा है मतलब मे बी हंड्रेड परसेंट हो या फिर सेवेंटी फाइव से हंड्रेड परसेंट तक हो सकता है और अगर वो सेमी सॉलिड केक की फॉर्म में है तो फिर उसकी परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉलिड्स की थोड़ी इंक्रीज होगी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट तक इसमें फिर ड्राई सॉलिड्स होंगे और अगर वो हार्ड सॉलिड है फिर थर्टी फाइव टू सिक्सटी और फिर इसी तरह से आप उसमें से बाकी जो परसेंटेज होगी वो वाटर की होगी इसी तरह फिर स्लैश जो होता है वो ग्रैनोल्स की फॉर्म में भी होता है तो उसमें सिक्सटी टू एटी फाइव परसेंट तक ड्राई सॉलिड्स होते हैं और स्लैश डिस इंटीग्रेटिंग इं टू अ फाइन पाउडर यानी एक पाउडर की फॉर्म में भी होता है फिर वो थोड़ी ड्राई फॉर्म होती है ना तो उसमें एटी फाइव टू हंड्रेड परसेंट ही जो है वो सॉलिड ड्राई सॉलिड्स होते हैं बाकी फिर उसमें वाटर की रेशो बहुत ही कम होती है जीरो टू फि नेक्स्ट इस टॉपिक में बताई गई है वाटर इन द स्लच कैन बी डिवाइडेड इन टू फोर डिस्टिंक्ट क्लासेस मतलब वाटर uh, की क्लासेज बताई गई हैं किस किस तरह का वाटर स्लच में शामिल होता है सबसे पहले तो आ जाता है फ्री वाटर फिर एड्सॉर्ब वाटर कैपलेरी वाटर एंड सेलुलर वाटर और सबको थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे फ्री वाटर तो ये वही वाला पानी होता है जिसको हम इजीली ग्रेविटी से ही मतलब रिमूव कर सकते हैं मतलब जब वेस्ट वाटर जो है वो टैंक्स में उसको स्टोर किया जाता है तो जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और फिर पानी को अलहदा कर लिया जाता है या फिर जो ज़्यादा लाइट मटीरियल्स हैं वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं जैसे पेपर हो गया या फिर पॉलीथीन बैग्स हो गए तो उनको भी सेपरेट कर लिया जाता है तो इस तरह से ये फ्री वाटर तो बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है अलीहदा किया जा सकता है उसके बाद आ जाता है एड्जॉर्ब पाउटर इसको मकैनिकल uh, फोर्सेस या फिर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के यूज़ से इसको रिमूव करते हैं ये फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट क्या है ये केमिकल होते हैं ये सस्पेंडेड सॉलिड्स को सॉलिड ब्लॉक्स में चेंज कर देते हैं यानी जो आ, इसके आ, पानी के अंदर वेस्ट वाटर के अंदर जो आ, होंगे स्लज के सस्पेंडेड सॉलिड्स उनको ये थोड़े बड़े ब्लॉक्स में चेंज कर देते हैं तो इस तरह से फिर एडजॉर्ब वाटर को सेपरेट किया जा सकता है उसके बाद आ जाता है कैपलेरी वाटर मेंटेन इट सेल्फ एबजॉर्ब्ड इन द सॉलिड फेस बाई कैपले फोर्सेज एंड इज डिस्टिंग फ्राम द एडजॉर्ब वाटर बाई द नीड ऑफ द ग्रेटर सेपरेशन फोर्स अब ये ग्रेटर सेपरेशन फोर्स चाहिए होती है कैपलेरी वाटर को रिमूव करने के लिए और वो मोस्टली होती है कोई सेंट्रीफ्यूज हो सकता है सेंट्रीफ्यूज से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही इसको मतलब कैपलेरी वाटर को अलहदा किया जाता है उसके बाद आ जाता है सेलुलर वाटर इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड फेज एंड कैन ओनली बी रिमूव बाय द चेंज ऑफ वाटर एग्रीगेशन स्टेट अब ये वो पानी है मतलब जब स्लैच uh, जो टोटली सॉलिड फेज में आ जाता है और हमें देखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है लेकिन मॉइस्चर की फॉर्म में इसके अंदर पानी होता है वो सेलुलर वाटर होता है और उसको सेपरेट करने के लिए सिर्फ फ्रीजिंग या इवेपोरेशन से ही हम उसको अलहदा कर सकते हैं उसके बाद डेंसिटी एक्सप्रेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ ड्राई सॉलिड्स ये एक, एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ड्राई सॉलिड्स की कंसनट्रेशन को देखने के लिए ये बनाई गई है फिर उसकी आगे सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाई गई है तो जो फर्स्ट पैराग्राफ इसमें दिया गया उसमें तो वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो पीछे हमने पढ़ी हैं लेकिन इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ रीड कर देती हूँ जो इसमें आ, होती है डेंसिटी ऑफ द स्लज ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग इज़ वेरी क्लोज टू वाटर ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी डेंसिटी पानी की बहुत क्लोज होती है क्योंकि उसमें वाटर ही तो 95 परसेंट से ज़्यादा तो उसमें पानी होता है अब जो यूजल वैल्यूज़ होती हैं आर बिटवीन 1.02 एंड 1.03 फॉर लिक्विड्स स्लेश ड्यूरिंग इट्स ट्रीटमेंट एंड बिटवीन 1.05 एंड 1.08 फारदर डी वाटर्ड स्लज जिसमें हम पानी निकाल चुके होते हैं जो वाटर री रीसाइकिल रीसाइकिलिंग के लिए हम उसको वाटर साइकिल में दोबारा से ऐड कर चुके होते हैं उसके बाद जो हमारे पास स्लज आता है उसमें जो इसकी परसेंटेज होती है वो जस्ट वन टू वन इतना पानी होता है इसमें इसका मतलब है कि लिक्विड फ़ेज़ में और सॉलिड फेज़ में जब हम उसको डीपाटर्ड कर चुके हैं तब भी उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब पानी उसमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है द कंसट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन द स्लज इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ड्राई सॉलिड्स तो फिर उसको ड्राई सॉलिड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है दैट इज एक्सक्लूडिंग द वाटर कन्टेंट ऑफ द स्लज मतलब हम इसमें से वाटर कंटेंट को अगर निकाल दें जो एक्चुअली वहाँ उसमें से निकला नहीं होता द कंसनट्रेशन कैन बी इन मिलीग्राम पर लीटर और इन परसेंटेज द लेटर बींग मोर फ्रिक्वेंट मतलब बाद वाली जो परसेंटेज है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय इसके मिलीग्राम पर लीटर के अब यहाँ पे हम इसकी क्वेश्चन देखते हैं कंसनट्रेशन अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो फिर कंसनट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं और वन इंटू टेन रजिस्टू पर सिक्स मिलीग्राम पर किलोग्राम से डिवाइड करते हुए हम उसको डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर जो है ये असल में स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नीचे यहाँ पे बताया गया है कि ज़्यादातर प्रोसेसिंग स्टेजेस में जो ग्रेविटी होती, होती है वो वन के ही करीब होती है मोस्टली वन ही होती है तो इस वजह से अब आप नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो वो डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर की बजाय अगर हम वन लगा देते हैं और फिर यहाँ तो पर वन इंटू टेन पर सिक्स की बजाय हम इसको ज़रा सिम्पलेस्ट फॉर्म में सिक्स जीरोज़ लगा के हंड्रेड के साथ इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है कंसनट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई टेन A far instance, a sludge with the concentration of 20,000 milligram per liter could have uh, this same concentration expressed as 20,000 divided by 10,000. इज़ इक्वल टू परसेंट ऑफ द ड्राई सोल्ट इसको जब हम सॉल्व uh, करेंगे तो वो टू परसेंट आ जाएगा दस ईच हंड्रेड किलोग्राम हंड्रेड लीटर्स ऑफ स्लज हैज़ टू किलोग्राम ऑफ ड्राई सोलिड्स। ये एक फार्मूला से हमने मतलब ये एक वैल्यू निकाली है कि हमारे पास हंड्रेड किलोग्राम अगर स्लज होगा तो उसमें टू किलोग्राम जस्ट जो है वो ड्राई सोलड्स होंगे और नाइन्टी एट किलोग्राम जो है वो उसमें वाटर होगा टॉपिक वन ट्वेंटी सिक्स में हम रिलेशन बिटवीन फ्लो कंसनट्रेशन एंड लोड ये देखेंगे इसमें इक्वेशंस uh, दी गई हैं जिसकी जिसको जस्ट एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी uh, uh, याद कर सकते हैं हम तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि फ़्लो uh, क्या चीज़ है कंसनट्रेशन इसमें क्या है द डिज़ाइन टू स्लच ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल स्टेज स्टेजिज इज़ बेस्ड ऑन द स्लच फ्लो वॉलीम पर यूनिट टाइम अब स्लज फ्लो का मतलब ये है uh, जब किसी फैक्ट्री uh, से या यूनिट जहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है उसको एक पाइप के थ्रू uh, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है या फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है तो वो उसको स्लज फ्लो बोलते हैं अब वो वॉलीम पर यूनिट टाइम के कोई वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है वो वन uh, आवर भी हो सकता है पर डे भी हो सकता है उसमें वो कितना वॉलीम जो है वो पानी का प्रोसेस uh, के लिए निकाला गया है और इन मैनी केसेस द ड्राई सोल्यड लोड और कभी कभार जो है वो ड्राई सोलिड के लोड को भी मतलब के मैयर किया जाता है वो मैज़ पर यूनिट टाइम कहलाएगा फिर अगर हम पूरे आ, वेस्ट वाटर को देख रहे हैं तो फिर वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कहलाएगा लेकिन अगर ड्राई सोलिड देख रहे हैं तो फिर मैज़ पर यूनिट टाइम उसका यूनिट होगा अब द स्लज फ्लो इज़ रिलेटेड टू द एस एस लोड अब एस एस है यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड लोड एंड कंसनट्रेशन बाई सिंपलेस्ट साइज का फार्मूला है फ्लो इज़ इक्वल लोड बाई कंसनट्रेशन अब यहाँ पे हमने स्लैच फ्लो जो है वो मीटर क्यूब पर डे निकालना है यहाँ पे है मीटर क्यूब पर डे तो उसके लिए फिर क्या हमारे पास इक्वेशन है स्लैच फ्लो मीटर क्यूब पर डे इज़ इक्वल सस्पेंडेड सॉलिड लोड उसको हमने डिवाइड करना है ड्राई सॉलिड्स की परसेंटेज से ड्राई सॉलिड्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 उसके बाद फिर आ जाती है स्लज डेंसिटी जो किलोग्राम स्लज पर मीटर क्यूब स्लज होती है तो कंसिडरिंग दैट द डेंसिटी ऑफ द स्लज इन इन इट्स प्रोसेसिंग स्टेज इज़ वेरी क्लोज टू वन थाउजेंड किलोग्राम यानी कि अगर हम इसकी जो डेंसिटी uh, रखते हैं वो वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखते हैं तो फिर इस, इसी इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं उसमें हम ये जो इक्वेशन में नीचे स्लश डेंसिटी दी गई है उसकी जगह पे हम वन थाउजेंड लगा देंगे जब हम वहाँ पे वन थाउजेंड लगाएंगे तो ड्राई सॉलिड्स के साथ जो वन हंड्रेड है उसके साथ वन थाउजेंड कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी सस्पेंडेड सॉलिड लोड डिवाइडेड बाई ड्राई सॉलिड्स इंटू 10 क्योंकि वन और वन सिंप्लीफाई होकर टेन रह जाएगा अब इसका मतलब क्या है कि अ स्लच विद अ सोलिड लोड ऑफ वन ट्वेंटी किलोग्राम एंड सोलिड कंसनट्रेशन ऑफ टू परसेंट विल हैव अ फ्लो ऑफ वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन तो वो सॉल्व करके आ जाएगा सिक्स मीटर क्यूब पर डे टू एस्टिमेट सस्पेंडेड सोलिड लोड फ्राम द स्लैच फ्लो एंड सस्पेंडेड सोलिड कंसनट्रेशन द अरेंजमेंट ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन कैन बी यूज यानी कि वही सिंपलेस्ट इक्वेशन थी फ्लो इज इक्वल लोड इंटू कंसनट्रेशन अब वहाँ पर अगर हम लोड निकालना चाह रहे हैं तो फ्लो जो होगा वो कंसल्टेसन के साथ मल्टीप्लाई होगा अब इसमें देखें फ़्लो मीटर क्यू पर डे है जबकि जो कंसलट्रेशन है ये हमने 123 टॉपिक में जो प्रीवियस फार्मूला था वहाँ से ली है कंसलट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000 ये हमने वहाँ से ली है तो ये कन्वर्जेंस ही जस्ट इम्पॉर्टेंट uh, है इन्हीं को ही uh, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप uh, याद कर सकते हैं एम में आ सकती हैं टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी सेवन में कुछ टेबल्स दिए गए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी एट भी आते हैं वो है स्लज ट्रीटमेंट स्टेजेस अब यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे स्लज की ट्रीटमेंट के दौरान किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है सबसे पहले आ जाता है थिकनिंग वो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे मतलब कि वॉल्यूम की रिडक्शन होगी उसके बाद आ जाता है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को जब रिमूव करेंगे तो फिर स्लज का, का जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा नंबर थ्री पे आ जाता है कंडीशनिंग कंडीशनिंग का मतलब होता है इसको स्लच को डी वॉटरिंग के लिए हमने प्रिपेयर करना है इन सब की डिटेल भी आगे आएगी उसके बाद फिर आ जाता है डी वॉटरिंग डी वॉटरिंग में हम एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव uh, करते हैं ये भी वॉल्यूम रिडक्शन ही हो जाता है उसके बाद आ जाता है डिसनफेक्शन डिसइनफेक्शन में ये कि स्लच के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है ताकि उस स्लच को डिस्पोज uh, ऑफ करें या फिर उसको री कर सकें उसके बाद फिर आ जाता है फाइनल डिस्पोजल जिसमें हमने फाइनल डेस्टिनेशन तक स्लेज को लेके जाना होता है वो आ, उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है और उसको री भी किया जा किया जा सकता है क्रॉप्स वगैरह में अब ये थिकनिंग इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल है थिकनिंग में आ जाता है इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस ऑफ कंसनट्रेटिंग द स्लज विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग इट्स वाटर कंटेंट एंड एज अ रिजल्ट इट्स वॉल्यूम फैसिलिटेटिंग द सब्सिक्वेंट स्ल ट्रीटमेंट स्टेजेस अब होता ही है कि थिकनिंग में वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो फिर हम इसको फर्दर ट्रीटमेंट हमारे लिए इसका आसान हो जाता है स्टेब्लाइजेशन में फिर हम क्या करेंगे कि उसमें फिर हम जो इनकनवीनियंस एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ बैड ऑर्डर्स ऐसी चीज़ें जिनसे स्मेल वगैरह पैदा होती है ऑर्गेनिक मटेरियल उनको हम निकालेंगे डिस्पोज़ करेंगे स्लज में से और इसके बाद फिर आ जाता है ये किस तरीके से किया जाता है इट इज़ एकम्पलिश्ड थ्रू द रिमूवल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ़ द स्लज यानी कि उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है यही असल में ऑर्डर और स्मेल पैदा करता है तो उसको ही ख़त्म किया जाता है स्टेबलाइजेशन में कंडीशनिंग में हमने पहले देखा था इसको डी वाटरिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो कंडीशनिंग इज द स्लज प्रपरेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें क्वेगलेंट्स जो कि उसको ज़रा चेंज कर देते हैं उसके प्रेसिपिटेट बना देते हैं और पोली इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं टू तो इंक्रीज इट्स डी वॉटरिंग कैपेबिलिटी इसकी डी वाटरिंग इसमें से ईजीली हो सके एंड इम्प्रूव द कैप्चर ऑफ द सॉलिड्स इन द स्लज डी वाटरिंग सिस्टम्स तो कंडीशनिंग में फिर हम इसको प्रिपेयर करते हैं डी वॉटरिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिवॉटरिंग इट कैन बी डन थ्रू द नेचुरल और मकैनिकल मैथड्स नेचुरल हो सकते हैं जो जैसे ग्रेविटी में ग्रेविटी से मतलब उसको टैंक्स uh, में सिर्फ स्टोर कर देते हैं तो इस तरह से भी डिवॉटरिंग हो जाती है जैसा हमने पहले पढ़ा लेकिन uh, उसमें फिर सेंटीफ्यू फ्यूगल फोर्सेज के थ्रू भी हम डिवॉटरिंग कर सकते हैं अब इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दिस फेज इज़ टू रिमूव वाटर एंड रिड्यूस द वॉल्यूम इवन फर्दर अब इसमें और पानी को रिमूव करना और वॉल्यूम को और कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अब इसमें स्लच किस तरह का होगा इसका मतलब स्लच विद मैकेनिकल बिहेवियर क्लोज टू सॉलिड यानी वो इस तरह का स्लच पैदा होगा जो सॉलिड uh, से करीब तर होगा जबकि पानी उसमें फिर भी होता है दिस हैज एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इम्पैक्ट इन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड फाइनल डिस्पोजल कोस्ट इसका बड़ा फ़र्क कोस्ट पे इस तरह से पड़ता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम या मैस होगा उसको उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पर ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा तो जब हम डी कर देते हैं तो उसका वॉलीम और उसका मैस कम होने से उसके डिस्पोजल कॉस्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन आता है ये स्टेप तो नेसेसरी है क्योंकि इसमें एन एन एरोबिक और एरोबिक डाइजेशन की जाती है जिससे फिर जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अब यही जो सारे पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर टेबल में बताया गया है टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी नाइन स्लश थिक्निंग एंड स्लश स्टेबलाइजेशन है Uh, अब इनकी डिटेल आएगी द मेन प्रोसेस इज़ यूज फार थिकनिंग्स थनिंग अब कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इसमें यूज़ uh, होते हैं एक है ग्रेविटी थिकनर्स डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन सेंटीफ्यूज़स एंड बेल्ट प्रेसिस ये वाले मैथड मैथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं स्लच थिंग के लिए अब यहाँ पर जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि हमने थिकनिंग मैथड का नाम याद करना है उसके बाद हमने स्लच टाइप को जहन में रखना है कि किस स्लच टाइप के लिए कौन सा मैथड यूज़ होता है जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला मैथड दिया गया ग्रेविटी मैथड जिसकी डिटेल भी आगे अलग अलग टॉपिक्स में आएँगी इन सबकी डिटेल्स तो अब जैसे देखें ग्रेविटी मैथड है तो वो नंबर वन प्राइमरी स्लच के लिए यूज़ होता है नंबर टू एक्टिवेटेड स्लज के लिए यूज़ होता है नंबर थ्री मिक्सड स्लज के लिए यूज़ होता है जिसमें प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज को मिक्स किया गया हो और नंबर फोर मिक्सड स्लज ऐसे मिक्स स्लज के लिए यूज होगा जिसमें प्राइमरी स्लज एंड स्लज फ्रॉम द एरोबिक बायोफिल्म रिएक्टर इन दोनों को मिक्स किया गया हो तो इस चार किस्म के स्लज के लिए ग्रेविटी मेथड यूज़ होता है नेक्स्ट मेथड है डिजोल्ड एयर फ्लोटेशन तो वो किस किस स्लज के लिए यूज़ होता है मिक्स्ड स्लज जो कि प्राइमरी एंड एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके मिक्सचर के लिए और नंबर टू एक्टिवेटेड स्लज के लिए भी डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन ही यूज़ होता है नंबर थ्री जैसे सन्ट्री फ्यूज है तो वो जस्ट एक टाइप एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही इस मेथड को बस यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आ जाता है बेल्ट प्रेस तो बेल्ट प्रेस जो होता है वो भी एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही यूज़ होता है इसमें कमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जस्ट यही बताया गया है कि कौन सा मैथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और किस मैथड का यूज़ ज़रा कम है या किसको मतलब अब यूज़ उनका बढ़ता जा रहा है उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है ग्रेविटी थिकनर की और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है ये किस तरह का होता है तो ग्रेविटी हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू सेटलिंग टैंक्स जो सेटलिंग टैंक्स होते हैं उसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है द फॉर्मेट इज़ यूजली सर्कुलर मतलब ये गोल होते हैं एक प्याला शेप में विद सेंट्रल फीडिंग अब बॉटम स्ल सेंट्रल फीडिंग मतलब नीचे इसके एक आउटलेट देखें स्लेज आउटलेट नीचे की तरफ बना हुआ है अब बॉटम स्लेज एग्जिट एंड अ सुपरनेंट साइड एग्जिट अब देखें नीचे जो है वो स्लज के uh, को निकालने के लिए एक स्लज आउटलेट बनाया गया है और ऊपर जो है वो आउटलेट बनाया गया है पानी को रिमूव करने के लिए द थ एंड स्लच गोज़ ऑन द ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज नॉर्मली वो डाइजेशन होती है यहाँ से निकाल के स्लच को तो नेक्स्ट स्टेज पे भेजा जाता है जो कि डाइजेशन होती है वाइल द सुपरनेंट इज़ रिटर्न टू द हेड ऑफ़ द वर्क्स जो पानी होगा जो ऊपर uh, जिसमें अब वो कम uh, जो है वो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको दोबारा से यूज़ uh, करने के लिए भेज दिया जाता है दूसरा मेथड है डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन इसको कैसे यूज़ किया जाता है इन दिस प्रोसेस एयर इज डिजोल्ड इन अ सोलूशन मेनटेंड एट हाई प्रेशर अब वो जो स्लच सोलूशन होता है उसमें एयर को मिक्स किया जाता है और हाई प्रेशर पर किया जाता है वैन देर इज़ अ डी पासचराइजेशन द डिजोल्ड एयर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स मूविंग अपर्ड फिर उसी एयर को जब रिमूव किया जाता है तो वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है दीज बबल्स टैन टू कैरी द स्लच पार्टिकल्स टू द सर्फेसिस से फिर वो सारे स्लज पार्टिकल्स वो बबल के साथ मिलकर सर्फेस पे आ जाते हैं फ्राम वेयर दे आर रिमोट और वहाँ से उनको निकाल लिया जाता है थिकनिंग बाई फ्लोटेशन हैज़ अ गुड अपलिकबिलिटी फॉर एक्टिवेटेड स्लज वो हमने पीछे भी देखे कि डिजोल्ड एयर फ्लोटेशन जो है वो एक्टिवेट स्लज के लिए ही यूज़ किया जाता है विच डॉट थिकन वेल इन द ग्रेविटी थिकनर्स जो जहाँ पर ग्रेविटी थिकनर्स काम नहीं आ रहे होते वहाँ पर फिर हम डिजोल्ड एयर फ्लोटेशन मैथड यूज़ करते हैं देशन एम्स एट स्टेबलाइजिंग जिसको हम डाइजेशन भी बोल सकते हैं द बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्लज ऑर्गेनिक मैटर जो स्लच uh, के अंदर मौजूद होता है उसकी जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ होता है दस डि डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्योटिफिक्शन एज वेल एज रिड्यूसिंग द कंसल्टे ऑफ द पैथोजेंस मतलब इसमें हम डिजीजिज डिजीज काजिंग पैथोजेंस और माइक्रोब्स जो हैं उनका जो है रिस्क uh, जो है वो कम हो जाता है द स्टबलाइजेशन प्रोसेस कैन भी कौन कौन सी स्टबलाइजेशन हो सकती है बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन केमिकल और थर्मल बायोलॉजल में बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन में तो हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही यूज करते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को केमिकल uh, स्टेबलाइजेशन में फिर कुछ केमिकल्स जैसे ऑर्गेनिक uh, मैटर uh, को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स और थर्मल स्टेबलाइजेशन में फिर हीट जाहिर है उसको गर्म किया जाता है और उसमें फिर कुछ वोलेटाइल फ्रैक्शंस होते हैं जो इवेपोरेट कर जाते हैं तो हीट में तो यहाँ पे फिर थर्मल स्टेबलाइजेशन यूज़ होता है एन एरो डाइजेशन इज़ द मोस्ट फ्रीकुंट यूज स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एन एरोबिक डाइजेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है The the stabilization of the sludge facilitates its final disposal and opens alternatives for its reuse as an agricultural soil conditioner. के एरोबिक एग्रीकल्चरल से होता ही है कि या तो फिर इसको हम दोबारा से लेते हैं या फिर इसको एग्रीकल्चरल सॉइल कंडीशनर के तौर पे यूज़ किया जाता है टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी स्टेबलाइजेशन है। Uh, अब इनकी डिटेल आएगी द मेन प्रोसेस इज फॉर फार थिकनिंग्स थिकनिंग अब कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इसमें यूज़ uh, होते हैं एक है ग्रेविटी थिकनर्स डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन सेंटीफ्यूज़स एंड बेल्ट प्रेसिज़ ये वाले मैथड method, मैथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं स्लच थिंग के लिए अब यहाँ पर जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि हमने थिकनिंग मैथड का नाम याद करना है उसके बाद हमने स्लच टाइप को जहन में रखना है कि किस स्लच टाइप के लिए कौन सा मैथड यूज़ होता है जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट वाला मैथड दिया गया ग्रेविटी मैथड जिसकी डिटेल भी आगे अलग अलग टॉपिक्स में आएंगी इन सबकी डिटेल्स तो अब जैसे देखें ग्रेविटी मैथड है तो वो नंबर वन प्राइमरी स्लच के लिए यूज़ होता है नंबर टू एक्टिवेटेड स्लज के लिए यूज़ होते हैं नंबर थ्री मिक्सड स्लज के लिए यूज़ होता है जिसमें प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज को मिक्स किया गया हो और नंबर फोर मिक्सड स्लज ऐसे मिक्स स्लज के लिए यूज़ होगा जिसमें प्राइमरी स्लज एंड स्लज फ्रॉम द एरोबिक बायोफिल्म रिएक्टर इन दोनों को मिक्स किया गया हो तो इस चार किस्म के स्लज के लिए ग्रेविटी मेथड यूज़ होता है नेक्स्ट मेथड है डिज़ोल्ड एयर फ्लोटेशन तो वो किस किस स्लज के लिए यूज़ होता है मिक्स्ड स्लज जो कि प्राइमरी एंड एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके मिक्सचर के लिए और नंबर टू एक्टिवेटेड स्लज के लिए भी डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन ही यूज़ होता है नंबर थ्री जैसे सेंट्री फ्यूज है तो वो जस्ट एक टाइप एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही इस मेथड को बस यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आ जाता है बेल्ट प्रेस तो बेल्ट प्रेस जो होता है वो भी एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही यूज़ होता है इसमें कमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जस्ट यही बताया गया है कि कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और किस मैथड का यूज़ ज़रा कम है या किसको मतलब अब यूज़ उनका बढ़ता जा रहा है उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है ग्रेविटी थिकनर की और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है ये किस तरह का होता है तो ग्रेविटी थिकनर्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू सेटलिंग टैंक्स जो सेटलिंग टैंक्स होते हैं उसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है द फॉर्मेट इज़ यूजली सर्कुलर मतलब ये गोल होते हैं एक प्याला शेप में विथ सेंट्रल फीडिंग अब बॉटम स्लज सेंट्रल फीडिंग मतलब नीचे इसके एक आउटलेट देखें स्लज आउटलेट नीचे की तरफ बना हुआ है अब बॉटम स्लज एग्जिट एंड अ सुपरनेंट साइड एग्जिट अब देखें नीचे जो है वो स्लज के uh, को निकालने के लिए एक स्लज आउटलेट बनाया गया है और ऊपर जो है वो आउटलेट बनाया गया है पानी को रिमूव करने के लिए द थ एंड स्लच गोज़ ऑन द ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज नॉर्मली वो डाइजेशन होती है यहाँ से निकाल के स्लच को तो नेक्स्ट स्टेज पे भेजा जाता है जो कि डाइजेशन होती है बाइल द सुपरनेंट इज़ रिटर्न टू द हेड ऑफ़ द दर्क्स जो पानी होगा जो ऊपर uh, जिसमें अब वो कम uh, uh, जो है वो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको दोबारा से यूज़ uh, करने के लिए भेज दिया जाता है दूसरा मेथड है डिजॉल्ड एयर फ्लोटेशन इसको कैसे यूज़ किया जाता है इन दिस प्रोसेस एयर इज डिजोल्ड इन अ सोलूशन मेन्टेंड एट हाई प्रेशर अब वो स्लच सलूशन होता है उसमें एयर को मिक्स किया जाता है और हाई प्रेशर पर किया जाता है वैन देर इज अ डीपास्चराइजेशन द डिजोल्व एयर इज रिलीज इन दॉम ऑफ स्मॉल बबल्स मूविंग अपर्ड फिर उसी एयर को जब रिमूव किया जाता है तो वह बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है दीज बबल्स टैंड टू कैरी द स्लच पार्टिकल्स टू द सर्फेसिस से फिर वो सारे स्लज पार्टिकल्स वो बबल के साथ मिलकर सर्फेस पे आ जाते हैं फ्राम वेयर दे आर रिमोट और वहाँ से उनको निकाल लिया जाता है थिकनिंग बाई फ्लोटेशन हैज़ अ गुड अप्लीकेबिलिटी फॉर एक्टिवेटेड स्लज व पीछे भी देखे कि डिजोल्ड एयर फ्लोटेशन एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही यूज़ किया जाता है मिस्टर्स थिकन वेल इन द ग्रेविटी थिकनर्स जो जहाँ पर ग्रेविटी थिकनर्स काम नहीं आ रहे होते वहाँ पर फिर हम डिजोल्ड एयर फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं देशन एम्स एड स्टेबलाइजिंग जिसको हम डाइजेशन भी बोल सकते हैं द बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्लच ऑर्गेनिक मैटर जो स्लच uh, के अंदर मौजूद होता है उसकी जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ होता है दस डि डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्योरटिफेक्शन एज़ वेल एज रिड्यूसिंग द कंसल्टे ऑफ द पैथोजेंस मतलब इसमें हम डिजीजिज डिजीज काजिंग पैथोजेंस और माइक्रोब्स जो हैं उनका जो है uh, रिस्क जो है वो कम हो जाता है द स्टेबलाइजेशन प्रोसेस कैन भी कौन कौन सी स्टेबलाइजेशन हो सकती है बायोलॉजिकल स्टबलाइजेशन केमिकल और थर्मल बायोलॉजल में बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन में तो हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही यूज़ करते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को केमिकल uh, स्टेबलाइजेशन में फिर कुछ केमिकल्स जैसे ऑर्गेनिक uh, मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स और थर्मल स्टेबलाइजेशन में फिर हीट जाहिर है उसको गर्म किया जाता है और उसमें फिर कुछ वोलेटाइल फ्रैक्शंस होते हैं जो इवेपोरेट कर जाते हैं तो uh, हीट में तो यहाँ पे फिर थर्मल स्टेबलाइजेशन यूज़ होता है एन एरोबिक डाइजेशन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टच स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एन एरोबिक डाइजेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है The stabilization of the sludge facilitates its final disposal and opens alternatives for its reuse as an agricultural soil conditioner. के एरोबिक डाइजेशन से होता ये कि या तो फिर इसको हम दोबारा से लेते हैं या फिर इसको एग्रीकल्चरल सॉइल कंडीशनर के तौर पे यूज़ नेक्स्ट uh, यहाँ पे बताई गई हैं स्लज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड फ़ाइनल डिस्पोजल मेथड्स बताए गए है, uh, हैं अब इसका मतलब ये यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसमें हमें ये बताया गया है कि हम uh, किस ट्रीटमेंट से स्लज जो है वो बना रहे हैं और अगर वो स्लज किसी एक स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट से बनता है तो उसको हम कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है उसका फाइनल डिस्पोजल मेथड कौन सा है जैसे यहाँ पे नंबर वन पे है एन एरोबिक या फिर एरोबिक डाइजेशन अगर हमने की है तो उससे एक ऐसा बायोसॉलिड बनेगा जो कि सूटेबल होगा एग्रीकल्चर के लिए लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मतलब उसको थोड़ा फर्दर ट्रीट करना पड़ेगा फिर उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ सॉइल कंडीशनर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें हमें पहले तो डिवाटरिंग करनी पड़ती है और उसके बाद डिस भी करनी पड़ती है उसकी ये एक तरह के पोस्ट ट्रीटमेंट होते हैं ताकि इसको फिर हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें नंबर uh, टू अगर हमने केमिकल ट्रीटमेंट से स्लच बनाया हुआ है जिसमें लाइम स्टेबलाइजेशन uh, भी शामिल है तो फिर इसको भी हम एग्रीकल्चर uh, के में यूज़ कर सकते हैं दूसरा फिर इसको हम डेली कवर ऑफ लैंड सैनिटरी लैंडफिल भी कर सकते हैं इस इसका मतलब यह होता है इसको डिस्पोज ऑफ़ करना डिस्पोज ऑफ़ करना एक जगह बनाई होती है uh, सिटी से दूर वहाँ पे स्लज को ज़मीन में डिस्पोज ऑफ करके ऊपर इसके मिट्टी डाल दी जाती है और ये डेली बेसिस पे भी ये करते हैं उसको स्लज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नंबर थ्री अगर हमने कंपोस्टिंग की है स्लज की तो फिर ये एग्रीकल्चरल ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट बनेगा खाद की तरह का प्रोडक्ट जो कि नर्सरीज के लिए हॉर्टिकल्चर मतलब बागात के लिए लैंडस्केपिंग के लिए खाद के तौर पे यूज़ होता है और इसमें भी डी के बाद ही इसको यूज़ किया जाता है उस नेक्स्ट है फोर नंबर फोर थर्मल ड्राइंग थर्मल ड्राइंग में हम हीट से ड्राई uh, करते हैं उसको तो ये मतलब हाई लेवल ऑफ सॉलिड्स बनेंगे थोड़ा ज़्यादा सॉलिड इसमें होंगे पानी की कंसनट्रेशन कम होगी इस लज में और लेकिन इसमें नाइट्रोजन uh, काफ़ी मिकदार में होगा सिग्निफिकेंट कंसनट्रेशन uh, होगी इसकी और पैथोजेंस भी बिल्कुल नहीं होंगे तो इस वजह से फिर इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड uh, यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में क्योंकि इसमें पैथोजेंस नहीं है तो इसको फर्दर किसी भी पोस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी टॉपिक नंबर वन ट्वेंटी थ्री है स्लश डि uh, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लेश डिवॉटरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स पहले तो बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं तो इसमें ये फाइव पॉइंट्स uh, हैं जिस वजह से डी की जाती है तो सबसे पहले तो रिडक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कि ज़ाहिर है उसको ट्रांसपोर्ट uh, करने पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम मैस कम करने के लिए डी की जाती है उसके अलावा फिर हैंडलिंग कंडीशंस इम्प्रूव हो जाती हैं जब उसमें से हम पानी को रिमूव कर देते हैं उसके बाद फिर इसकी जो कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है स्लज की उसको भी मतलब कि हमने बढ़ाना होता है अब वो क्या चीज़ है ये इनर्जी कॉन्टेंड इन द स्लज ये तब करते हैं जब हमने स्लज को जलाना है बर्न करना है इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्न करना तो स्लज को अगर हमने जलाना है तो फिर हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए भी हम डी करते हैं ताकि वो इजीली बर्न हो जाए रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द डिस्पोजल मतलब जब हम इसको डिस्पोज ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम इसका कम हो जाए इस वजह से भी हम इसकी डि करते हैं uh, और फाइव पॉइंट uh, है लास्ट वाला कि इसमें फिर रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ लिचेट लिचेट जो होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर ही होता है यानी जब वो स्लज पड़ा होता है या उसको लैंडफिल में दबा ज़मीन में वो गड़े खोद के जब उसमें फेंकते हैं दबाते हैं उसको तो वो uh, जो पानी होता है उसमें से लीकआउट करता करता ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें मिक्स हो जाता है कंटेमिनेशन का बायस बनता है तो इस वजह से भी इसमें से पानी को रिमूव किया जाता है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मेथड्स बताए गए हैं डी वाटरिंग के तो वो कौन कौन से मेथड हैं दो होते हैं एक तो नेचुरल होते हैं और दूसरे मैकेनाइज्ड होते हैं आप इनको अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हैं तो नेचुरल प्रोसेसेस में तो आ जाते हैं वेपोरेशन आ जाता है परसोलेशन आ जाता है परसोलेशन जो एक तरह की फिल्ट्रेशन आ, का ही एक टाइप है जिसमें हमें कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होती जस्ट उसको हम फिल्टर कर लेते हैं या उसको खड़ा करके पानी को थोड़ा कहीं जमा करके और दूसरा इवेपोरेशन ये दो तो हो गए नेचुरल प्रोसेसेस लेकिन इसमें ये कि ज़रा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हैं ये दूसरे होते हैं मेकेज प्रोसेस उसमें आ जाता है फिर फिल्ट्रेशन जिसमें स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं कॉम्पैक्टिंग उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाता है एक्सलरेड डिबॉटरिंग आ जाता है ये सारे प्रोसेस जो हैं ये मैकेज्ड हैं इस, इससे होता ये कि इसका मतलब सोफिस्टिकेटेड और कॉम्पैक्ट यूनिट्स बनते हैं स्लज uh, के जिनको हैंडल करना उनको ऑपरेट करना uh, जो है वो काफ़ी ईजी uh, होता है उसके बाद फिर आ जाता है ऊपर जो बताए गए हैं प्रोसेसेस नेचुरल और मैकेनाइज्ड तो उन्हीं की आगे से डिटेल है नेचुरल प्रोसेसेस में वही ड्राइंग बेड्स और स्लच लेगोन्स ये आ जाते हैं और लेगोस पोन्ट्स जो होते हैं वो और मैकेनाइज्ड में वही सेंटीफ्यू सेंटिफ्यूज आ जाते हैं वैक्यूम फिल्टर्स बेल्ट प्रेस और फिल्टर प्रेस आ जाते हैं अब यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया है इसमें एम सी क्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं इसमें क्या चीज़ बताई गई है सबसे पहले वाले कॉलम में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम बताया गया कि आपने कौन सा वाले ट्रीटमेंट यूज़ किया था उसके लिए फिर कौन सा डी वाटरिंग प्रोसेस यूज़ करना है वो नेक्स्ट कॉलम में बताया गया है और ड्राई सॉलिड लेवल्स इन द डी वॉटर स्लज अब उसमें ड्राई सॉलिड लेवल जो है वो कितना आता है किस प्रोसेस के रिज़ल्ट में जैसा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है कन्वेंशनल तरीक़ों से जो हम करते हैं उसमें ड्राइंग बेड भी यूज़ कर सकते हैं फिल्टर प्रेस भी सैंटिफ्यूज़ भी और बेल्ट प्रेस भी तो उसमें आगे परसेंटेज बता दी गई है ड्राई सोलिड्स की इनको याद कर सकते हैं एम सी क्यूज़ के लिए इसी तरह से ये फिर सेकेंड पे प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर हमने सिपेटिक टैंक में किया है तो उसके लिए ड्राइंग बेड्स यूज़ होते हैं और बाकी सब के लिए ही ड्राइंग ड्राइंग बेड्स यूज़ होते हैं और सबके ही ड्राई सोलिड लेवल जो है वो थर्टी टू फोर्टी परसेंट होता है इन टेबल्स के बाद आगे फिर स्लच कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है स्लच कंडीशनिंग क्या है टू इंक्रीज द डी वोटरिंग कैपेबिलिटी द स्लच कैन बी सबमिटेड टू अ कंडीशनिंग स्टेज बिफोर डी वॉटरिंग यानी डी वॉटरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसके पहले कंडीशनिंग की जाती है कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम उस उसकी प्रेसिपिटेट्स बना दें उसको थोड़ा थिक कर दें ताकि उसकी डी जो है वो इजी हो जाए उसके लिए अब जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं और हीटिंग से भी की जा सकती है कंडीशनिंग और मेटेलिक सॉल्ट से भी की जा सकती है मेटेलिक सॉल्ट्स एंड पोली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अब कौन से केमिकल uh, प्रोडक्ट्स जो हैं वो या मेटेलिक कोगलेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है एलोमिनियम सल्फेट फेरिक क्लोराइड क्लोराइड फेरिक सल्फ़ेट और क्विक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम ये हैं मेटेलिक कोगलेंट्स मतलब जो इसको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में uh, कर देते हैं स्लज को नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा स्लच डि वॉटरिंग या स्लज ड्राइंग बेड्स और लैगोन्स में स्लच डी वोटरिंग कैसे की जाती है ये ड्राइंग बेड्स और लैगोन्स की डिटेल बताई गई है अब ये ड्राइंग बेड क्या चीज़ है ड्राइंग बेड्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं स्लज की डि वॉटरिंग के लिए उसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए तो ये ओल्डेस्ट टेक्निक है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन में स्लज की इसमें होता है ये यूज़ इसको इसलिए करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम है और जितने भी मैकेनिकल डि वॉटरिंग ऑपरेशन होते हैं उनकी नस्बत ये होता है एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है जिसकी वॉल्स जो हैं वो कंक्रीट की बनी होती हैं और बॉटम भी उसका कंक्रीट का ही बना होता है नीचे डायग्राम भी इसकी दी गई है स्कीमेटिक डायग्राम तो इसके पहले तो तीन पार्ट्स बताए गए हैं एक है सपोर्ट लेयर दूसरा है ड्रेनिंग मीडियम और थर्ड वाला है ड्रेनिंग ड्रेनेज सिस्टम तो स्पोर्ट लेयर जो होती है वो ब्रिक्स की और कोर्स सैंड की बनी होती है और इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ विच द स्लज इज़ प्लेस्ड यानी इसके ऊपर स्लज को डाला जाता है जैसा डायग्राम में भी नीचे दिखाया गया है सपोर्ट लेयर के ऊपर स्लज है ग्रे कलर में जो है उसके बाद फिर आ जाता है ड्रेनिंग मीडियम अब ड्रेनिंग मीडियम जो वो क्या चीज़ होती है फाइन टू कोर्स सैंड होती है रेत होती है या तो बहुत फाइन होती है थोड़ी बहुत कोर्स सैंड होती है और ग्रेवल भी हो सकती है इसको फिर आ, उसके नीचे सपोर्ट लेयर के नीचे ये होती है लास्ट भी आ जाता है ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम ये पाइप्स होते हैं जो पानी नीचे की तरफ फिल्टर होगा सेपरेट होगा उसको अलहदा करने के लिए निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है ये पाइप्स की फॉर्म में होता है उसके बाद फिर ये जो स्लश ड्राइंग होते हैं अब ये क्या चीज़ें ड्राइ, ड्राइंग ड्राइंग बेड तो कंक्रीट का बना हुआ एक पॉन टाइप या एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है तो स्लज ड्राइंग लेगोन्स होते हैं ये भी थिकनिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डाइजेशन के लिए और डीवाटरिंग के लिए यूज़ होते हैं अब इनमें फ़र्क ये है कि ये नेचुरल कोई मतलब ज़मीन के अंदर कोई डिप्रेशन हो घड़ा हो तो उसको ही स्लज ड्राइंग लेगोन के तौर पर यूज़ किया जाता है लेकिन कभी कभार खुदाई करके भी किया जाता है जैसे यहाँ पर लिखा गया ड्राइंग लेगोन्स आर जनरली एक्सकेवेटेड इन द दॉयल लोकेटेड इन नेचुरल डिप्रेशन इन द लैंड वेयर द डिस्कार्डेड स्लच फ्रॉम द डब्ल्यू डब्ल्यू टी पीज मतलब वेस्ट वाटर ट्रांसपो ट्रीटमेंट प्लांट्स से यहाँ पर जो है वो स्लच को डाला जाता है और थ्री टू फाइव ईयर्स तक uh, यहाँ पर रखा जाता है स्लच को अब इस पीरियड के दौरान जो है वो स्लज थकन भी हो जाता है ग्रेविटी के वजह से और उसकी फर्दर डाइजेशन भी हो जाती है इसको पहले ही डाइजेस्ट डाइजेशन इसकी स्टार्ट करा कराई हो, होती है पहले से इसकी डाइजेशन हो रही होती है एरोबिक या अन एरोबिक तो यहाँ पर इसकी फर्दर डाइजेशन होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से स्लज में होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फ्री वाटर इवेपोरेशन से भी और ड्रेनेज से भी इसमें से निकलता रहता है अब यह इसमें बताया गया कि ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर डी वाटरिंग प्रीवियसली डाइजेस्टेड स्लज वही बात कि जो पहले से डाइजेस्ट डाइजेशन हो रही है जिस स्लज की उसके लिए इसको यूज़ करते हैं और मतलब प्राइमरी और मिक्स्ड स्लज के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता अब जितने भी नेचुरल डिवाटरिंग प्रोसेस हैं उसमें स्लज लेगोन्स जो हैं ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग बेड्स की नस्बत उसमें आ, उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसके अलावा फिर इसमें जो है वो परसोलेशन हैज़ अ लेसर इफेक्ट इन दैट ऑफ ड्राइंग बेड्स मतलब इसमें वो आ, आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत आहिस्ता होती है अब इसकी भी यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम दिखाई गई है इसमें आप देखें कि एक डिप्रेशन है लेकिन वो दरमियान से थोड़ा सा ऊंचा है फिर साइडों पे वो जो है जमा होता रहता है स्लोप की वजह से और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है पानी को वो खुद ब खुद ही निकाल नहीं जाया निकाला नहीं जाता बल्कि वो खुद ब खुद ही जो है वो ज़मीन में अब्जॉर्ब होता रहता है जब लेगून फुल हो जाता है इसमें या तो यहीं पे स्लज को छोड़ दिया जाता है एक तरह का फाइनल डिस्पोजल ही होता है ये स्लज का यहीं पे ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं या फिर अगर वो स्लज जो है वो री यूज़ के काबिल है तो फिर उसको वहाँ से निकाल के तो स्लज को फिर ले जाया जाता है जहाँ पे इसको यूज़ करना हो टॉपिक नंबर वन थर्टी टू है स्लज डि वाटरिंग सेंट्रीफ्यूज ये सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूगल मशीनस होती हैं जो स्लज डि के लिए यूज़ की जाती हैं तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं एक फर्स्ट स्टेज में तो स्लच पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल होते हैं हायर वेलोसिटी होती है सेंट्रीफ्यूज की इस वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो ज़रा सेपरेट हो जाते हैं उसमें क्योंकि ग्रेविटी के एक्शन में इतना तेज़ी से वो सेटल नहीं होंगे और दूसरी स्टेज पर फिर जो कैपिलरी वाटर होता है स्लज का वो भी रिमूव हो जाता है उससे फिर जो स्लज होता है वो एक हार्ड फॉर्म में आ जाता है जिसको केक बोलते हैं तो केक को रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम द प्रोसेस अब सेंट्रीफ्यूज़स जो होते हैं वो ऐसे इक्विपमेंट हैं जो दोनों के लिए स्लज थिकनिंग के लिए भी और स्लज डी वॉटरिंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं तो अब उसको इंस्टॉल करते हुए फिर एक सीरीज में इंस्टॉल करते हैं कि पहले थिकनिंग पहला सेंट्रीफ्यूज जो है वो थिकन करेगा स्लज को और दूसरा जो वो डी वॉटर्ड करेगा इसकी दो टाइप्स होती हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनमें दोनों में डिफरेंस ये है टाइप ऑफ फीडिंग ऑफ स्लज कि आपने स्लज को फीड किधर से करना है जो आ, वर्टिकल होगा उसमें स्लज को ऊपर से डालते हैं और जो हॉरिजोंटल होगा उसमें हम साइड से स्लज को सेंटीफ्यूज में डालते हैं और इसी तरह इनके जो स्लच बन जाता है जब डी वाटर्ड हो जाता है तो केक को रिमूव करने का भी जो मेथड है वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है यही डिफरेंस है इन दोनों में अब इनके यहाँ पे एक फ्लोशीट जो है वो डायग्राम दिखाई गई है होरिजोन्टल शाफ्ट सेंटीफ्यूज की जो कि मोस्टली यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इसको टिपिकल सेटअप फॉर अ डिकेंटर टाइप सेंटीफ्यूज डिकैंटर बोलते हैं बॉटल टाइप तो ये बॉटल टाइप सेंटीफ्यूज है इसमें राइट साइड पर देखें कि स्लच जिसको डी बॉटर्ड करना है वो एक कंटेनर में मौजूद है वो उसमें कुछ पोलीमर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं पॉलीमर्स होते हैं जो कोएगुलेशन करते हैं सेटल करते हैं सेपरेट करते हैं इनको स्लज uh, पार्टिकल्स को प्रेसिपटेट की फॉर्म में फिर स्लज इनलेट आ जाता है जिससे हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर इसको भेजते हैं स्लज को वो घूमता है उसके बाद फिर जो डी वाटर्ड स्लज होता है वो आउटलेट से बाहर आ जाता है वो कन्वेयर बेल्ट पे होता है कन्वेयर बेल्ट मूव करता है तो नीचे कंटेनर में स्लज को इकट्ठा करता रहता है और इस तरह से फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए स्लज को भेज दिया जाता है अब इसके एडवांटेज़ और डीएडवाटेजेस बताए गए हैं तो एडवांटेजेस में तो ये है ना कि ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है थिकनिंग के लिए भी डी के लिए भी और इसमें लैंड रिक्वायरमेंट बहुत कम है ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए हमें इंस्टॉल करना बहुत ईजी है और इसकी जो ऑपरेशन है इसका वो हाई लोडिंग रेट्स भी मतलब वो जा, काफ़ी ज़्यादा स्लच को एक ही टाइम में ऑपरेट कर सकता है और पोलीमर्स इसमें बहुत कम चाहिए होते हैं और उसके अलावा ऑपरेटर्स भी बहुत एक्सपर्ट नहीं चाहिए होते या बहुत ज़्यादा टेंशन उनकी नहीं चाहिए होती इस ऑपरेशन के दौरान अब डिसएडवांटेजेस में भी हैं इसमें नॉइस और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उसके बाद वियरिंग मतलब डैमेज हो जाते हैं कुछ इसके कंपोनेंट्स जो हमारा सिस्टम होता है उसके उसके अलावा फिर जब इसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसको घुमाने के लिए स्टार्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और फिर उसके बाद स्टार्टअप के दौरान जो है वो कॉम्प्लेक्स और स्लो एडजस्टमेंट होती हैं ये काम मतलब स्लो हो रहा होता है ये काम उसके बाद फिर इसकी जो मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और उसके अलावा फिर इसमें हाई कॉस्ट तब आती है जब हम इसको आ, मतलब इम्पोर्ट करते हैं अगर ये लोकली ना बन रहा हो ये सिस्टम इसको इम्पोर्ट किया जाए तो फिर ये काफ़ी महंगा पड़ता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्लज डिस इनफेक्शन कम्पोस्टिंग एंड थर्मोफिलिक एरोबिक डाइजेशन अब यहाँ पे स्लज डिस इनफेक्शन के बारे में है कि हमने उसको डिस इनफेक्ट करना है स्लज को वो क्यों करना है फर्दर uh, यूज़ के लिए कि अगर हमने उसको लॉन्स uh, में नर्सरीज में या एग्रीकल्चर में यूज़ करना है तो स्लच को डिसिनफेक्ट लाजमी किया जाता है उसके लिए अब जो जो प्रोसेस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं इसमें आ, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया कि लेवल ऑफ पैथोजेंस वो खत, कम करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं स्लच डिस और नीचे वाले पैराग्राफ में यही बताया गया कि उसकी स्लच को पब्लिक पार्क्स गार्डन्स और उसके लिए एग्रीकल्चर के में यूज़ करने के लिए हम इसकी डिसइनफेक्शन करते हैं अब जो मेथड्स फाइव इसमें यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कंपोस्टिंग बी भी, भी आ जाता है थर्मोफिलिक एरोबिक डाइजेशन लाइम स्टेबलाइजेशन पास्चराइजेशन और थर्मल ट्रीटमेंट अब सबसे पहले जो डिटेल है वो है कंपोस्टिंग की कंपोस्टिंग का मतलब होता है एक तरह का खाद बन जाना खाद बन जाती है कंपोस्टिंग के रिजल्ट में इसमें होता है ये कि जो एरोबिक ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाती है और कंट्रोल्ड कंडीशन इसमें टेम्परेचर वाटर कंटेंट ऑक्सीजन इस चीज़ को मतलब कंट्रोल में रखते हुए ये प्रोसेस किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉइल कंडीशनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं पैथोजेंस जो हैं उनको इनएक्टिव करने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई किया जाता है टेम्परेचर 55 फाइव टू सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखा जाता है उसमें फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं उसके अलावा अब इसमें कुछ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें वुड चिप्स आ जाते हैं लीव्स आ जाते हैं ग्रीन बेस्ड आ जाता है राइस स्ट्रॉ और सॉडस्ट ये सब इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि पोरोसिटी बढ़ सके उसकी वो पोरस हो पोरस मीन भुरभरा हो उसमें हवा जो है वो अंदर सर्कुलेट कर सके हवा उसमें सर्कुलेट करेगी तो ही कंपोस्टिंग होगी तो इसलिए फिर ये चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं पोरोसिटी को इनक्रीज़ करने के लिए और रेशो को बैलेंस करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन की इसकी सिंपल सी फ्लोशीट है इसमें देखें स्लज और बल्किंग एजेंट्स इन दोनों को इकट्ठे ही रिएक्टर में या पाइल में डाल दिया जाता है बल्किंग एजेंट्स वही हैं जिनको पोरोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं राइस स्ट्रॉ हो गया ग्रीन वेस्ट हो गया वुड चिप्स वगैरह हो गए वो वो उन दोनों को इकट्ठे ही रिएक्टर में डाल दिया जाता है अब साइड से देखें एयर फोर्स इरेशन और मिक्सिंग या आ, मतलब हवा भेजी जाती है या जस्ट उसको मिक्स कर लिया जाता है उससे भी इरेशन हो जाती है उसकी हवा उसमें शामिल हो जाती है और फिर फाइनल जो है वो हमारे पास स्लज आ जाता है कंपोस्टिंग के बाद अब इसको किस किस मेथड से कंपोस्टिंग की जा सकती है एक तो होता है विंड्रोज़ फिर एरेटेड स्टैटिक पाइल होता है और फिर इन वेसल बायोलॉजिकल रिएक्टर्स होते हैं जो विंड्रोज होते हैं इसमें तो जस्ट ये करते हैं कि उसको बार बार मिक्स करते हैं बार बार उसको हिलाते हैं ऊपर नीचे करते हैं स्लज को तो उसमें हवा मिक्स होती जाती है इसमें स्लज जो है बनने के लिए नाइन फिफ्टी टू नाइन्टी डेज लगते हैं कंपोस्टिंग में स्लज से कंपोस्टिंग होने में उसके बाद इरेटेड स्टैटिक पाइल जो होता है इसमें ब्लोड्स यूज़ करते हैं ख़ुद से हवा ऐड की जाती है एग्जॉस्टिंग सिस्टम होता है इसमें तो इसमें थर्टी टू सिक्सटी डेज लगते हैं टाइम थोड़ा कम हो जाता है इसमें और अगर हम वैसल में ये एक क्लोज सिस्टम होता है इसमें बायोलॉजिकल रिएक्टर्स के जरिए हम कंपोस्टिंग करें तो जस्ट फोर्टीन टू ट्वेंटी डेज़ में कंपोस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है अब दूसरा मेथड जो इसमें था बी वाला वो था थर्मोफिलिक एरोबिक डाइजेशन इसमें इसको हम ऑटो ऑटो थर्मल डाइजेशन भी कहते हैं इसमें होती है कन्वेंशनल एरोबिक डाइजेशन सिस्टम ही होता है लेकिन इसमें ये कि हम इसकी थर्मोफिलिक फेज मतलब हम कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे ये आ, प्रोसेस करते हैं थर्मोफिल थर्मोफिलिक एरोबिक डाइजेशन की भी दो स्टेजेस होती हैं फर्स्ट वाली स्टेज में फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है वो सिक्सटी डिग्री कर दिया जाता है नेक्स्ट वाला जो सी वाला मेथड uh, था स्लज डिस इन्फेक्शन का उसमें आ जाता है लाइम स्टेबलाइजेशन इसमें यह होता है कि लाइम को ऐड किया जाता है स्लज में लाइम ऐड होने से भी इस डिसइनफेक्शन हो जाती है स्लज की लेकिन उसमें होता यह है कि फिर क्वांटिटी स्लज की जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसमें लाइम ऐड किया गया फिर उसको उसकी डिस्पोजल कोस्ट जो आती है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है पास्चराइजेशन uh, आ जाती है पास्चराइजेशन में हम हीट करते हैं स्लज को सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे थर्टी मिनट्स के लिए और फिर उसको रैपिडली cool कूल किया जाता है फोर डिग्री सेंटीग्रेड तक इस तरह हीटिंग से भी उसमें से सारे जो जर्म्स और पैथोजेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पास्चराइजेशन के लिए स्टीम इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं उसको हीटअप करने के लिए स्टीम जो है वो इंजेक्ट की जाती है उसके बाद आ जाता है थर्मल ट्रीटमेंट तो थर्मल ट्रीटमेंट ये फिफ्थ वाला मेथड है डिसइनफेक्शन का स्लज की तो इसमें हम हीट अप करते हैं जलाते हैं स्लज को हीट करते हैं तो ये काफ़ी फिजिबल है और उसके अलावा इसमें कॉस्ट भी कम आती है और उसके अलावा इसमें जो हीट पैदा होती है उसको भी हम किसी और काम के लिए यूज़ कर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल डिस्पोजल ऑफ द स्लज अब जब स्लज को हम डिस कर लेते हैं डी वॉटर कर लेते हैं फिर उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं तो उसमें आता है ओशन डिस्पोजल इंसिनरेशन सैनिटरी लैंड फिल्स लैंड फॉर्मिंग लैंड रिक्लेमेशन एग्रीकल्चरल री सबसे पहले आ जाता है ओशन डिस्पोजल ओशन डिस्पोज डिस्पोजल में होता यह है कि समंदर में फेंक दिया जाता है जो स्लज होता है उसको समंदर में फेंक दिया जाता है स्पेशल एरियाज़ होते हैं सी के वहाँ पे जिनको हम ओशन आउटफॉल्स बोलते हैं वहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है अब इसमें लिखा है कि डिस्पोजल विदाउट बेनिफिशियल यूज़ इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता कोई बेनिफिट नहीं होता जस्ट हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं स्लज को एडवांटेज इसका ये है कि ये लो कॉस्ट है और डिसएडवानटेज में आ जाता है कि जो ओशन वाटर है फ्लोरा एंड है उसकी पोल्यूशन ये वो डिस्टर्ब होंगे फ्लोरा एंड फाना नंबर टू सेकेंड वाला जो मेथड है वो है इंसिनरेशन जिसमें हम बर्न करते हैं स्लज को तो इसमें डी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है ऑक्सीडेशन से ज़ाहिर उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उसमें फिर जो है स्लज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा और एशज़ और जो सॉलिड्स होते हैं वो ऐश या राख में चेंज हो जाएंगे अब इसमें भी ये डिस्पोजल भी विदाउट बेनिफिशियल यूज़ है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता एडवांटेजेस जस्ट इसके ये हैं कि वॉलीम ड्रास्टिक वॉल्यूम रिडक्शन है बहुत तेज़ी से स्लज uh, का वॉल्यूम कम हो जाता है और साथ इसकी स्टर्इजेशन होती है इसमें पैथोजेंस ख़त्म हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस जाहिर है इसके हाई कोस्ट है एनर्जी चाहिए होती है वो इंसिनरेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और ऐश डिस्पोजल इसमें ऐश काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिमूव होगा जो पोल्यूशन करेगा और उसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है वो कार्बन की वजह से धुएं की वजह से उसके बाद आ जाते हैं सैनिट्री लैंडफील्स जिसमें स्लज को हम डिचेज़ में या ट्रेंचिस या जो भी घड़े होते हैं ज़मीन के उसके अंदर डाल दिया जाता है और शॉयल से ऊपर कवर कर दिया जाता है उसको सील कर दिया जाता है इसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा एडवांटेज इसका ये है कि ये भी लो कॉस्ट है और डिसएडवाटेज़ में ज़ाहिर है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी हो और लोकेशन फिर हमें ऐसी चाहिए होगी जो अर्बन सेंटर्स से दूर हो सिटी से दूर हो और इसके अलावा फिर सॉइल करैक्ट्रिस्टिक्स भी स्पेशल हों जैसे पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पर नहीं किया जा सकता वरना वो स्लज वहाँ पर वैसे ही ऊपर पड़ा रहेगा और उसमें से पानी भी जो है वो आदा नहीं होगा तो इसलिए हमें स्पेशल सोयल होती है तो वहीं इस इसल्च को जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं उसके अलावा फिर गैस और लीचेट जो है ये भी प्रोड्यूस होता है गैस जो हवा में शामिल होती जाएगी और लीचेट जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स होता जाएगा उसके पोलूशन का बायस बनेगा उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन री इंटीग्रेटिंग एंड एं द एरिया आफ्टर डी यानी उसमें ये होता है कि इसको मतलब ख़त्म करना अगर हम ये प्रोसेस ख़त्म करना चाह रहे हैं शट डाउन डी कमिश्निंग का मतलब हम इस वर्क को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर उस एरिया को दोबारा हम पहले जैसा नहीं कर सकते नेक्स्ट आ जाता है लैंड फार्मिंग लैंड फार्मिंग में ये होता है कि ज़मीन पर ही इसको डिस्पोज ऑफ़ किया जाता है बायोलॉजिकली डिग्रेडेड जो अपर लेयर होती है सॉइल की उसके अंदर मिक्स हो जाता है ये स्लज जो होता है और उसके अलावा फिर इसमें भी कोई बेनिफिशियल यूज़ तो नहीं है इसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे इससे जस्ट ये एडवांटेजेस के ये होंगे कि ये भी लो कॉस्ट है और इसमें फिर हम बहुत थोड़े से एरिया पे काफ़ी ज़्यादा स्लज को कर देते हैं डि, डि, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं डिसएडवांटेजेस में इसमें यही है कि एक्यूमोलेशन हार्डली डिकेइंग कॉन्स्टिट्यूंट अब उसमें ऐसे uh, चीज़ें बन जाएंगी जो कि डिके नहीं ही नहीं होंगी जल्दी ख़त्म ही नहीं होंगी और ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन भी इसका एक डिसएडवांटेज है उसके अलावा ऑर्डर रिलीज और वैक्टर अट्रैक्शन इसमें से स्मेल जो है वो इर्द गिर्द फैलती है और इसके अलावा वैक्टर जो हषरात होते हैं वो वहाँ से पैथोजेंस को लेके अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे और वहाँ से पैथोजेंस को लेके तो बीमारियाँ फैलाते हैं और उसके अलावा फिर इसमें भी यही है कि जो ज़मीन होती है उसको दोबारा से हम पहली हालत में नहीं ला सकते आफ्टर डी कमिशनिंग मतलब अपना काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद आ जाता है लैंड रिक्लेमेशन लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है ज़मीन की बहाली अब होता यह है कि कुछ एरियाज जहाँ पर माइनिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर सारी जो सॉइल है वहाँ से रिमूव करके तो वहाँ पर ज़मीन की हालत बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है वहाँ पर कोई भी जो प्लांट्स हैं वो नहीं वहाँ पे उग सकते तो अगर हम ऐसा स्लज जो कि डीकम्पोज़ होकर खाद की फॉर्म में आ जाए वो वहाँ पे अगर डिस्पोज ऑफ़ किया जाए तो उस ज़मीन को आहिस्ता आहिस् से हम उसकी रिक्लेमेशन कर सकते हैं उसकी बहाली कर सकते हैं तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके हाई एप्लीकेशन रेट्स हैं मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है बल्कि जहाँ जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे स्लज को डिस्पोज ऑफ करके ही मतलब किया ही जाता है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ये होते हैं कि जब सॉइल रिकवर हो जाती है तो फिर वहाँ पे फ्लोरा मतलब प्लांट्स उग सकते हैं डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं ऑर्डर्स पैदा होते हैं कंपोस्टिंग एंड यूज लिमिटेशनस हाँ वहाँ पर मतलब खाद uh, वग़ैरह जो है वो uh, uh, बन जाती है और उसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेशन उसकी हो जाती है फ्लोरा और फाना uh, जो है वो भी डिस्टर्ब होते हैं इर्द गिर्द के एरिया से अब इसके जो नेक्स्ट uh, वाला है वो है एग्रीकल्चरल रीयूज़ सिक्स वाला ये स्लज uh, को हम डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको हम खाद के तौर पे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं तो इसके एडवांटेजेस हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया uh, जो है वो चाहिए होता है इसके लिए हमें पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं सॉइल पे काफ़ी सारे एरिया को कवर कर लेता है ये और पॉजिटिव uh, इफेक्ट्स आते हैं सॉइल पे और उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है हम जैसे जैसे स्लच पैदा होता जाएगा उसको फर्टिलाइजर के तौर पे हम यूज़ करते जाएंगे क्रॉप्स के लिए भी ये हेल्दी होंगे डिसएडवांटेजेस इस पर फिर यही हैं कि uh, इसको अप्लाई करना थोड़ा मतलब मुश्किल है uh, उसको उसकी कंपोस्टिंग जब होती है तो उसको चेक करना वो सूटेबल है या नहीं इसलिए मतलब ये थोड़ा टफ़ है उसके अलावा फिर सॉइल इसमें मेटल्स होते हैं तो सॉइल की कंटेमिनेशन हो जाती है अब अगर इसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स या पैथोजेंस हैं तो उससे जो फूड क्रॉप होगी हो वो भी जो है वो टॉक्सिक हो सकती है और उसके अलावा इसमें ऑर्डर्स जो हैं स्मेल वगैरह आ जाती है टॉपिक नंबर वन थर्टी सिक्स है कंटेमिनेटेड लैंड एंड बायो रेमेडिएशन अब ये बायो क्या चीज़ है जो कंटेमिनेटेड लैंड होती है जो एरिया है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए उसको दोबारा से यूज़ के काबिल बनाना उसको हम बायो बोलते हैं तो अब यहाँ पे फर्स्ट uh, पे तो उन्होंने यही बताया है कि जो कंटेमिनेटेड लैंड होती है इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ वाइडली अप्रिशिएटेड येट ऑफन पोरली अंडरस्टूड मतलब इसको अप्रिशिएट तो किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये कैसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है इन मच द सेम वे एज पोलूशन जैसा कि पोल्यूशन है पोल्यूशन को भी कंप्लीटली अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया जा सके वन इज़ दम्पली मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर मतलब एक दूसरे का uh, मजहर है कंटेमिनेशन की वजह से हमें बायो रेमेडिएशन करनी पड़ती है द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रेमेडिएशन लाइज इन टू टू स्फेयर्स यानी कि दो दो स्पेयर्स हैं दो एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से रेमिडिएशन की जाती है सबसे पहले तो ये कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन ऐसा कानून बनाया जाता है बनाए जा रहे हैं आजकल मतलब स्ट्रिक्ट कानून इस वजह से रेमिडिएशन की जाती है और दूसरा ये कि जब प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है रीडेवलप करने के लिए किसी भी ओल्ड अनयूज्ड जो कि ब्राउन फील्ड होती है उसको बजाय इसके कि जो प्रीवियसली अनटच्ड ग्रीन फील्ड हो यानी अब आजकल प्रेशर ज़्यादा इसी चीज़ पे है कि जो ब्राउन लैंड है ब्राउन फील्ड है उसको रेमिडिएट uh, किया जाए बजाय इसके कि जो ग्रीन ग्रास ग्राउंडस हैं उनको जो है वो क्रॉप क्रॉप या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने की बजाय तो इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ uh, होती हैं बायो के लिए तो सबसे पहले तो uh, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या तो द आइडिया ऑफ कंटेमिनेटिड लैंड इज़ द प्रेजेंस ऑफ सबस्टांसिस विच इवन प्रजेंट इन सफिशेंट क्वान्टिट्टी और कंसनट्रेशन आर लाइकली टू काज हार्म टू द एन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ एंड लिविंग बींग्स के ऐसे कंटेमिनेट प्रोडक्ट्स uh, ऐसी चीज़ें जो कि इतनी क्वांटिटी में हैं कि वो हार्मफुल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए लिविंग बींग्स के लिए एनवायरनमेंट के लिए तो फिर उसे हम कंटेमिनेटिड लैंड बोलते हैं अब इसमें कई सारी रीजंस हो सकती हैं मैनी काइंड ऑफ साइट्स में गिव राइज टू द पॉसिबल कंटेमिनेशन कंसर्न्स क्या रीज़ंस इसकी हो सकती हैं जैसा कि एस बी टॉस वर्क हो सकता है केमिकल वर्क्स हो सकता है गैरेज़ होते हैं सर्विस स्टेशनस के गाड़ियाँ वगैरह जहाँ पे वॉश करते हैं उसके अलावा गैस वर्कस होते हैं इंसनरेटर्स होते हैं जहाँ पर जलाई जाती हैं चीज़ें आयरन एंड स्टील वर्कस होते हैं और इसके अलावा मेटल फैब्रिकेशन जहाँ पे मेटल्स वगैरह बनाई जाती हैं ऐसी शॉप्स होती हैं पेपर मिल्स होती हैं टेनरीज होती हैं जहाँ पे खालें जो होती हैं वो लेदर वगैरह बनाया जाता है टेक्सटाइल प्लांट्स और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट्स रेलवे यार्ड और वेस्ट डिस्पोजल ये सब चीज़ें जो हैं इनको रेमिडिएशन की इन सब ज़मीनों को रेमिडिएशन की ज़रूरत होती है अब इसमें रेमिडिएशन की कब जाती है तो रेमिडीज़ रेमेड, आर नॉर्मली स्टार्ट ओनली वेन एंड वेयर देयर इज़ अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अनएक्सेप्टेबल हो जाता है तो तब फिर जो है वो लैंड रेमिडिएशन की जाती है उसके बाद फिर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं की प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल रेम रेमिडिएशन फॉरम एस यू आर एफ यू के फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड सिक्स की प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल रेमिडिएशन अब उनमें वो कौन से सिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो जिनको सामने रखा जाता है रेमिडिएशन के दौरान प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड वाइडर एन्वायरमेंट ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन सबसे पहले सामने रखी जाती है उसके अलावा सेफ वर्किंग प्रैक्टिस इस तरह से काम किया जाता है कि वो सेफ हो वर्कर्स के लिए भी कंसिस्टेंट क्लियर एंड रिप्रोड्यूसेबल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इस तरह से की जाए वो रिप्रोड्यूसेबल हो एविडेंस बेस्ड हो क्लियर हो कंसिस्टेंट हो कि कौन सा वाला मेथड अप्लाई किया जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग इसको भी सामने रखा जाता है गुड गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर इन्वॉलमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉलमेंट रखी जाती है और गुड गवर्नेंस चेक एंड बैलेंस रखा जाता है और साउंड साइंस मतलब हर तरीके से वो एक्सेप्टेबल uh, हो इन्वायरमेंट के लिए इस तरह का मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है अब रेमिडिएशन मेथड्स कौन कौन से हैं उसकी कैटेगरीज हैं फाइव बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल सोलिडिफिकेशन जिसमें विट्रिफिकेशन भी होता है और थर्मल सबसे पहले तो आ जाते हैं बायोलॉजिकल इसमें जो है इट दिस इन्वाल्वस द ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ कंटेमिनट्स टू तो लेस टॉक्सिक एंड मोर मोबाइल फॉर्म्स यानी इसमें फिर मिनरलाइजेशन कर दी जाती है कंटेमिनट्स की ताकि वो लेस टॉक्सिक हो जाएं इसमें फिक्सेशन आ जाती है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और उसके अलावा अक्यूमिलेशन इन हार हार वेजिटेबल बायोमैस क्रॉप्स और वो अक्यूमीलेट हो जाते हैं बायोमैस क्रॉप्स में हार वेजिटेबल क्रॉप्स में इस तरह से बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो जाती है यानी वो कंटेमिनट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनकी फ़िक्सेशन की जाती है या फिर वो क्रॉप्स का हिस्सा बन जाते हैं बायोमैस का हिस्सा बन जाते हैं इस तरह से लैंड जो है वो रेमिडिएशन उसकी हो जाएगी अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कैन डिस्ट्रॉय अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन कास बेनिफिट टू सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी आर नॉन टॉक्सिक मतलब ये सब इसके एडवांटेजेस हैं कि ज़मीन uh, को तो सॉइल को तो फ़ायदा होगा और फर्टिलिटी भी उसकी इम्प्रूव होगी अब इसके डिसएडवानटेजेस में आ जाता है द प्रोसेस एंड अप कैन बी अनसर्टन एंड डिफिकल्ट टू गाज ट्रीटमेंट कैन भी स्लो नॉट नॉट ऑल कंटेमेंट्स आर कंडक्टिव टू ट्रीटमेंट बायो बायोलॉजिकल मीन्स अब इसमें सबसे पहले तो इसका एंड पॉइंट नहीं पता होता इस प्रोसेस का कितने टाइम में ये सारे के सारे जो कंटेमिनेट्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे या फिर वो बायोमैस क्रॉप्स का हिस्सा बन जाएंगे दूसरी बात ये कि इसमें सारे के सारे जो कंटेमिनट्स होते हैं वो एक, इस एक ही प्रोसेस से ट्रीट नहीं हो नेक्स्ट uh, वाला आ जाता है केमिकल मेथड इसमें जो होते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन से और इसके एडवांटेजेस में ये होता है कि जो uh, ऐसे मतलब केमिकल्स uh, होते हैं जो स्टबन होते हैं रिक्लेट्रेंट uh, होते हैं उनको हम कम टॉक्सिक सब्सटेंसेस में जो है वो केमिकली चेंज कर देते हैं अब डिसएडवांटेजेस में इसके आ जाते हैं के जो इसमें भी जो पॉसिबल इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो फिक्स uh, नहीं होते थर्ड वाला मेथड आ जाता है फिजिकल मेथड इसमें फिजिकल uh, तरीक़ों से हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं जैसे कंसंट्रेशन मेथड से कर लेते हैं एक्सकेवेशन मेथड से कर लेते हैं और लेकिन इसमें फिर हमें फर्दर ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि इसमें हम जस्ट जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं उस जगह से उठा लेते हैं उनको लेकिन फिर बाद में इनको फर्दर ट्रीट करना पड़ता है ये ट्रूली रेमिडिएशन नहीं है अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्योरली फिजिकल है इसमें कोई भी रिएजेंट हमें यूज़ नहीं करना पड़ता हमने जस्ट वहाँ से निकाल लेना है उन कंटेमिनेंट्स को और इसमें फिर uh, एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेकेंडरी कंटेमिनेशन सेकेंडरी कंटेमिनेशन ये होता है कि जब हम फर्स्ट पे कोई कंटेमिनेशन uh, uh, ख़त्म करने के लिए कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं या कोई केमिकल्स तो ही अगर यूज़ करें तो वही केमिकल दोबारा से कंटेमिनेशन पैदा करते हैं यानी जिन केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है वही कंटेमिनेशन पैदा करें तो इसको सेकेंडरी कंटेमिनेशन बोलते हैं तो इसमें इसका रिस्क बिल्कुल नहीं होता इसके फिज़िकल के डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते उनको जस्ट हमने सिर्फ सेपरेट करना होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके बाद फिर सेकंड डिसएडवांटेज भी यही है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है फर्दर ट्रीटमेंट की ताकि कंटेमिनेट जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके उसके बाद फिर आ जाता है सोलिडिफिकेशन जिसको वाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं इट इज़ द इन मतलब बंद कर दिया जाता है कंटेमिनेंट्स को एक मोनोलाइथिक सोलिड में जो हाई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी कि उसको इस तरह से चेंज किया जाता है कि वो एक सिंगल लार्ज क्यूब बन जाता है सिंगल बड़ा लार्ज क्यूब बन जाता है और वो स्ट्र उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है स्ट्रांग होता है वो जल्दी जो है वो फिक्स नहीं होता या दूसरी जो लैंड है उसमें मिक्स नहीं होता इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और मतलब इसको फ्यूज़ करने के लिए एडवांटेजेस इसके ये हैं कि टॉक्सिक एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और उनको मतलब वो इन्वायरमेंट के लिए अन अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि इसमें सहरे कंटेमिनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे और कुछ रिएजेंट्स हमें फिर से चाहिए होंगे इनकी फ़र्दर ट्रीटमेंट के लिए लास्ट क्या आता है थर्मल मेथड uh, तो इसमें कंटेमिनेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है हीट ट्रीटमेंट से इंसिनरेशन यानी जलाना या फिर गैसिफिकेशन से या पैरोलिस से या वोलियोटाइजेशन से इनको हम जो है वो ख़त्म करते हैं एडवांटेजेस में ये है कि ये कम्प्लीटली इफेक्टिवली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंटेमिनंट्स और जो डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि इसमें हाई एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उसके बाद फिर जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंटल पलूशन जो है वो काज होती है और उसके अलावा सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा मतलब वो ख़ुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ पर जलाने की वजह से टॉपिक नंबर वन थर्टी एट इन सीटो एंड एक्स टू टेक्निक्स ये लैंड रेमिडिएशन की ही टेक्निक्स हैं इन सीटो एंड एक्ससी टू इन में फ़र्क ये है कि जहाँ पे सॉइल कंटेमिनेटेड है या जहाँ पे सॉइल को हम रेमिडिएशन उसकी करना चाह रहे हैं अगर उसी साइड पे हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये इन सीटो टेक्निक कहलाती है लेकिन अगर हम वहाँ से सॉइल को रिमूव कर लें रिमूव करके किसी दूसरी जगह पे ले जाएं और वहाँ जाके उसके साथ मतलब उसको प्रोसेस करें तो ये कहलाता है एक्सी टू टेक्निक अब पहले इन सीटों के बेनिफिट्स बताए गए हैं तो इन सीटों का मेजर बेनिफिट तो यही है कि साइड डिस्टर्बेंस लो साइड डिस्टर्बेंस मतलब कि जिस जो बिल्डिंग्स हैं इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि हम सॉइल को रिमूव नहीं कर रहे नंबर टू उसमें डिले भी कम होता है उसकी वजह ये है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो टाइम चाहिए होता है उसको रिमूव करने में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड पर ही हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो इस वजह से डिले भी कम होता है उसके अलावा तीसरा इसका बेनिफिट ये भी है कि कंटेमिनेशन स्प्रेडिंग का रिस्क भी बहुत कम होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है वो जो कंटेमिनेशन है उसके फैलने का चांस होता है और उसके अलावा वर्कर्स के लिए वोलेटाइल जो मटेरियल्स होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसलिए इसका एक बेनिफिट ये भी है अगली लाइंस में ये बताया गया है कि ये मेथड अडॉप्ट कब किया जाता है इन सीटो मैथड तो इसमें उन्होंने कहा कि ये सूटेबल कौन सी साइट्स के लिए है जहाँ पे कंटेमिनेशन uh, जो है वो ज़्यादा मतलब वाइड स्प्रेड हो थ्रू आउट और थोड़ी डेप्थ पे हो कम डेप्थ पे हो ज़्यादा मतलब uh, कुछ डेप्थ पे हो साइड पे और उसके अलावा लो टू मीडियम कंसनट्रेशन हो यानी उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो कंटेमिनेशन की लो से मीडियम हो और उसके अलावा कुछ डेप्थ पे हो uh, गहराई में है तो फिर उसको ज़ाहिर रिमूव करना मुश्किल है उस सॉइल को तो फिर उसको वहीं पे ही ट्रीट किया जाता है तो इन सीटो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं टेक्निक्स जो हैं वो ऐसी सॉइल के लिए यूज़ होती हैं जो थोड़ी गहराई पे जिसमें कंटेमिनेशन हुई हो और उसके अलावा ये होता ये कि ये स्लो स्लोली एक्ट करती है और मतलब इसका जो ट्रीटमेंट टाइम और इसको तब यूज़ करते हैं जब ट्रीटमेंट टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जितना भी टाइम लग जाए कोई इसमें इशू ना हो तो तब फिर हम इन सीटो टेक्निक यूज़ करते हैं जिस जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है अब इसके डिसएडवांटेजेस में एक तो यही है कि इसमें ये टाइम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसके अलावा स्ट्रिंगेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट uh, किस्म की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है सर्वे करना पड़ता है ताकि इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उसके अलावा फिर जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं क्योंकि हम उसको उसी साइट पे ही कर रहे हैं जहाँ पे टम्परेचर प्रेशर ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं इस वजह से फिर मतलब इसका जो रिज़ल्ट होता है या जो इसके आउटकम्स होते हैं वो लेस देन ऑप्टिमम होते हैं मतलब बेस्ट आउटकम्स हम नहीं ले सकते इन सीटो टेक्निक में उसके बाद आ जाती है एक्ससीटो टेक्निक्स तो एक्स सीटो का तो मेन करेक्ट्रिस्टिक यही है कि सॉइल को वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है जहाँ पे ये है और उसको कहीं और लेके जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए अब यहाँ पे बताया गया है कि कब ये यूज़ की जाती है तो ये सूटेबल है जहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो रिलेटिवली हाई हो मीडियम से हाई और उसके अलावा जो कंटेमिनेशन है वो नियर टू द सरफेस हो मतलब ऊपर ऊपर ही हो कंटेमिनेशन तो उस सॉइल को हम इजीली रिमूव करके तो वहाँ से कहीं और उसको ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं और उसको ट्रीट किया जा सकता है अब इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं तो बेनिफिट्स में तो यही है कि इसकी कंडीशंस जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होती हैं हमारे कंट्रोल में होती हैं और प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत इजी है मोनीटर करना भी बहुत इजी है क्योंकि इसको हम एक सेपरेट साइड जो बनाई ही इसी मकसद के लिए गई है वहाँ पर सॉइल को हमने शिफ्ट कर दिया है तो वहाँ के सारा इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होगा इसके अलावा इसको अचीव करना काफ़ी सिंपल है मतलब जो हमारा हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो लेना भी ईजी है इसके अलावा जो हमने ऑर्गेनिज़म्स उसमें इंट्रोड्यूस करने हैं स्पेशलिस्ट ऑर्गेनिज़म्स उसका इंट्रोडक्शन भी सेफ़ है क्योंकि हम आ, इन सीटों में कोई भी ऐसे माइक्रोब्स ऐड नहीं कर सकते जो उस टेक्निक के लिए तो लाजमी हो लेकिन मे बी के वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो इसलिए एक्स सीटों में उनकी जो उनका इंट्रोडक्शन भी सेफ़ है कोई इशू नहीं होगा अगर हम वहाँ पर कोई भी पैथोजेंस ऑर्गेनिज़म्स हम ख़ुद से ऐड करते हैं रेमिडिएशन के लिए उसके अलावा ये इन सीटों से फास्टर है कम टाइम लगता है इस पर अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहला तो यही है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है क्योंकि हम सॉइल को रिमूव करके किसी और जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी दो कैटेगरीज़ बताई गई हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजीज ये भी रेमिडिएशन की ही दो टेक्नोलॉजीज़ हैं अब इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज वो वाली टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो काफ़ी फास्ट एक्टिंग हैं और हाई इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं मतलब काफ़ी इफेक्टिव हैं विद हैवी डिमांड फॉर रिसोर्स एंड हाई इनिशिएशन रनिंग एंड सपोर्ट कोस्ट इनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सिस चाहिए होते हैं और अनिसिएशन रनिंग और सपोर्ट कॉस्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ये इनके की फैक्टर्स ये हैं कि मतलब ये फास्ट रिस्पॉन्स देती हैं लो ट्रीटमेंट टाइम बहुत जल्दी मतलब ट्रीटमेंट को कम्प्लीट कर देती हैं और इसके अलावा ये फिर हैवी कंटेमिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं इसकी एग्जाम्पल आ जाती है सॉयल वॉशिंग एंड थर्मल ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव मैथड्स वाले मेथड्स होते हैं जो लोअर इंटरवेंशनस हैं मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और स्लोर एक्टिंग है और सिंपलर सिंपलर टेक्निक्स होती हैं ये इसमें फिर रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और इनिशिएशन रनिंग एंड सपोर्ट कॉस्ट भी कम होती है मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ये टेक्निक्स नहीं होती है. और इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है आ, आ, मतलब ऐसी कोस्ट के लिए मतलब जहाँ पे आ, ऐसी सॉइल के लिए जहाँ पे मतलब आ, लेस डैमेज डैमेज हो, कम हो, क्वालिटी कम इसमें ट्रीटमेंट टाइम जो है वो काफी ज़्यादा हो जाता है फिर मिनरलाइजेशन को मेटाबोलिज्म एंड इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन में ये होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कंटेमिनेंट्स को uh, फूड सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फिर वो कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्राई हो जाते हैं को मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि कुछ कंटेमिनेंट्स को वो एज अ फूड तो नहीं यूज़ करते लेकिन वो बाई चांस जो है वो दूसरे कंटेमिनेंट्स के साथ उनकी भी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और वो भी कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आ जाता है इमोबिलाइजेशन इसमें ये होता है कि वो कुछ कंटेमिनेंट्स को बायो uh, एक्यूमिलेशन या अपने बॉडी पार्ट्स का uh, हिस्सा बना लेते हैं प्लांट्स में या फिर माइक्रोब्स ख़ुद तो ये तीन जो हैं ये रूट्स uh, हैं जिसके जरिए जो है वो माइक्रोब्स जो हैं वो रेमिडिएशन uh, करते हैं उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ बायो रेमेडिएशन यानी किन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको सामने रखते हुए हम कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं तो दो चीज़ों को सामने रखा जाता है एक तो कंटेमिनेंट इट्सल्फ मतलब ख़ुद जो कंटेमिनेंट है वो कौन सा वाला है उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशनस होती हैं अब जो कंटेमिनंट होता है उसके किन करैक्टर्स को सामने रखा जाता है सबसे पहले उसकी केमिकल नेचर कैसी है पोलूटेंट की फिजिकल स्टेट उसकी पोलूटेंट की कैसी है साइट पर और उसके बाद ये ससेप्टेबल होना चाहिए रेडी अवेलेबल फा रेडीली अवेलेबल होना चाहिए और बायो, मतलब बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन के लिए इन तीन चीज़ों को सामने रखा जाता है उसके बाद इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं टेम्परेचर पीएच और सॉइल टाइप टेम्परेचर जो है ज़ीरो टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बायो रेमीडिएशन जो है वो बेटर होती है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट जो होता है वो ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इसी तरह से पीएच देखें फाइव टू नाइन लेकिन ज़्यादा बेस्ट रेमिडिएशन होती है सिक्स टू एट अगर पी होगी सॉइल की उसके बाद सॉइल टाइप कौन सी होनी चाहिए सैंडस एंड ग्रेबल्स ये मोस्ट सूटेबल सॉइल टाइप्स हैं बायो रेमेडिएशन के लिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो एडेफिक फैक्टर्स हैं एडेफिक फैक्टर्स मतलब के सॉइल uh, से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं uh, जिसमें सॉइल टाइप आ जाती है डेप्थ किस किस डेप्थ पे है कंटेमिनेशन परोसिटी क्या है सॉइल की वो कितनी पोरस है उसका टेक्स्चर क्या है उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या है उसमें ह्यूमस कॉन्टैक्ट कंटेंट कितना है बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो कितनी उसमें हो सकती है उसके बाद फिर ये नीचे डायग्राम में इन इन्हीं को ही बताया गया है अब उसके बाद फिर कौन सी टेक्निक जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये वही चीज़ आ जाती है कि सॉइल रिलेटेड हमने देखना है कि सॉइल uh, कैसी है उसको ही सामने रख के जो है वो uh, किया जाता है uh, किसी भी मेथड uh, को अडॉप्ट और दूसरा फिर एक्शन प्लान जो होता है उसका उसकी फॉर्मूलेशन भी होती है उसमें अप्रूवल भी ली जाती है रेगुलेटरी बॉडीज से गवर्नमेंट से किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीटो टेक्निक्स जिसमें हमने टेक्निक्स जो साइट पे ही हमने बायो करनी होती है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है तो तीन मेजर टेक्निक्स हैं बायोस्पार्जिंग बायोवेंटिंग एंड इंजेक्शन रिकवरी बायोस्पार्जिंग में क्या करते हैं ये बायोस्पार्जिंग में हमने रेमेडिएशन uh, करनी होती है अगर सॉइल ऐसी सॉइल कंटेमिनेशन है जो वाटर टेबल बाउंड्री से नीचे है मतलब इसमें उस सॉइल की रेमिडिएशन होगी जो अंडरग्राउंड वाटर से नीचे सॉइल है उसमें अब इसमें क्या किया जाता है इसमें जो एयर होती है उसको भेजा जाता है उसके अंदर सॉइल के अंदर और उस इस एयर की वजह से वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो बायो डिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की और फिर जो पानी होता है हवा ज़्यादा एक्स्ट्रा हवा की वजह से बबल्स के साथ ही जो कंटेमिनेशन है वो पानी में ऊपर आ जाती है और फिर वहाँ से बबल्स से उसको रिमूव कर लिया जाता है ये यह यहाँ पर डायग्राम में भी इसमें दिखाया गया जोन ऑफ इरेशन है नीचे और ऊपर वाटर टेबल बाउंड्री है जोन ऑफ इरेशन यानी ये वो जगह है जहाँ पे हमने कंटेमिनेशन जहाँ पे है और रेमिडिएशन जहाँ पे हमने करनी है तो यहाँ पे हवा को अंदर भेजा जाता है उसके बाद दूसरा वाला प्रोसेस है वो है बायोवेंटिंग बायोवेंटिंग में भी हवा को ही अंदर भेजा जाता है लेकिन यहाँ पे साइट थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे जो जोन इरेशन है या जो सॉइल कंटेमिनेशन है वो वाटर टेबल बाउंड्री से ऊपर है तो अब यहाँ पे हमने जो हवा भेजनी होती है हवा को प्रेशर के ज़रिए अंदर भेजा जाता है वो हमने जोन ऑफ अरेशन इरेशन में ही भेजना होता है इस हम सॉइल में ही जो है वो उसी की इरेशन करते हैं उसमें ऑक्सीजन भेजते हैं अब उस ऑक्सीजन की वजह से सेम प्रिंसिपल है कि जो माइक्रोब्स होंगे वो बायोडिग्रेडेबल मैटर को डाइजेस्ट करेंगे उसके बाद फिर आ जाता है इंजेक्शन रिकवरी ये ऐसा ट्रीटमेंट है मेथड है जिसमें हमने कंटेमिनेंट जो है उसकी बजाय जो ग्राउंडेड वाटर है ग्राउंड वाटर है उसके फ्लो को हमने जो है बढ़ाना होता है इसमें इरेशन नहीं करते बल्कि हम उसके फ्लो को तेज़ करते हैं अब वो पानी जो है जब वो फ़्लो करता है कंटेमिनेंट के साथ तो वहाँ से उस पानी के अंदर डिफरेंट जो प्लूटेंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे फिर उस पानी को हम जो है वो रिमूव कर लेंगे वहाँ से टॉपिक है साइट मॉनिटरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजिकल इसमें हमने uh, देखना है कि साइट को मॉनिटर किया जाता है पहले uh, जहाँ पे रेमिडिएशन करनी होती है और फिर कौन कौन सी बायोटेक्निक्स जो है वो वहाँ पे अप्लाई की जाती हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो ये बताया गया कि सैम्पलिंग की जाती है वहाँ पर और उसकी दो एक्टिविटीज़ हैं सैम्पलिंग इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ तो सबसे पहले द डिज़ाइन ऑफ द सैम्पलिंग प्लान हमने एक सैम्पलिंग प्लान का पहले डिज़ाइन बनाना होता है फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन उसको अप्लाई करना होता है ये दो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं अब एक्चुअल सैम्पलिंग के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं करैक्टराइज द सैम्पल्स इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लोकेशन बैच नंबर साइज़ यानी हम सैम्पल्स की डिस्क्रिप्शन लोकेशन बताते हैं बैच नंबर बताते हैं साइज़ बताते हैं और उसके अलावा द मैनर इन विच दे आर टू बी टेकन हमने इस चीज़ का का भी बताना होता है कि उन उसको किस मैनर में सैंपल्स हमने लिए हैं टोटल वॉल्यूम सैंपल का साइज़ ऑफ द फाइनल लेबॉर्ट्री सैंपल यानी जो हमने लेबॉर्ट्री में भेजना है उसका साइज़ वो सामने रखा जाता है फिर ट्रांसपोर्ट स्टोरेज और एंड प्रिपरेशन अरेंजमेंट इन सब चीज़ों को सामने रख के हम सैम्पलिंग uh, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रो टेक्निक्स एक्स टू इन टेक्निक्स के मेजर बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हम पहले पढ़ चुके हैं इसके थ्री प्रिंसिपल्स हैं थ्री अप्रोचेज़ हैं लैंड फार्मिंग सॉयल बैंकिंग एंड सॉइल स्लरी बायो रिएक्टर्स लैंड फार्मिंग क्या चीज़ है लैंड फार्मिंग में क्या किया जाता है कि कंक्रीट के वेल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे सॉयल uh, को जिसको ट्रीटमेंट जिसका हमने करना होता है उसको वहाँ पे सैंड लेयर या ग्रेवल के ऊपर जो है वो uh, बिछाया जाता है उसमें फिर ड्रेनेज पाइप्स होते हैं और uh, इसमें होता ये है कि ये खुद ब खुद मतलब इसकी इरेशन होती रहती है जस्ट सॉइल को थोड़ा रोल किया जाता है या उसको चेंज करते रहते हैं मूव करते हैं सॉइल को तो इससे उसमें इरेशन होती रहती है और जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की डिग्रेडेशन करते हैं दूसरा है सॉइल बैंकिंग सॉइल बैंकिंग में ये होता है कि इसमें जो इरेशन जो है वो नेचुरल नहीं होती बल्कि इसमें जो है वो हवा को शामिल खुद किया जाता है पंप से प्रेशर के ज़रिए इन दोनों में जस्ट यही फ़र्क है सॉइल बैंकिंग bank, uh, में उसके बाद तीसरा आ जाता है सॉइल स्लरी रिएक्टर्स इसमें सॉइल uh, को uh, पहले तो uh, वहाँ से जहाँ मतलब साइड से लेके आया जाता है फिर उसके बाद रिएक्टर तक इसको लेके आते हैं रिएक्टर में डिफरेंट टैंक्स होते हैं जहाँ पे उसकी स्लरी बनाई जाती है मतलब उसको पानी में मिक्स करके स्लरी टाइप बना दिया जाता है उससे फिर वहाँ पे और साथ साथ उसकी इरीशन की जाती है एयर इनपुट भी ऊपर यहाँ पर मैंशन किया गया साथ साथ उसकी इरेशन की जाती है इस तरह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है और बायो रेमेडिएशन जो है वो कम्प्लीट होती है जी तो फ्रेंड्स हमने वीडियो के पार्ट वन में वन सिक्स टॉपिक्स कम्प्लीट किए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बायो के मजीद मेथड्स पढ़ेंगे आपको अगर ये मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें थैंक यू